हेलो तो फ्रेंड्स, लास्ट हेलो आप फ्रेंड्स, लोगों हेलो ने फ्रेंड्स। कितने कर लिए थे लास्ट डे अपडेट नाइन पे? लास्ट या डे 9 के 7 किए थे। अब हम 8 करेंगे। इसका टाइटल है माहिरा सुपर्ब डायलॉग डिलीवरी। ये बड़ा क्रिंजी सा है ये वाला अनसीन। यहाँ पर पपलू, मसला और दलजीत है, और ये पपलू के टी शर्ट पे लिखा हुआ होता है, जैसे वो कस्टमाइज बनवा के लाया है ना, तो वन ऑफ द टी शर्ट एंड उसके ऊपर लिखा हुआ है, काम ऐसा करो कि लोग कहे तू रहने दे, मैं खुद कर लूंगा। तो यहाँ पर मसला एंड दलजीत बैठे वो वीवो काउच पे, एंड मसला पपलू को बुलाती है, आजा बैठ जाए धरा के। तो पपलू कहता है, ये लो ये पढ़ो जो लिखा हुआ है मेरे टी शर्ट पे। तो मसला उसको रीड करती है, और वो इंग्लिश हिंदी में रीड करना होता है, उसको ठीक से आता है नहीं रीड करना, बट देन कर लेती है जैसे तैसे। तो पपलू भी खुद बोलता है उसको कि बहुत ही बेकार पढ़ा तुमने। फिर दलजीत पढ़ती है और वो ठीक ठाक पढ़ लेती है। तो पपलू उसको बोलता है कि दलजीत जो बोलती है वो भी उसको अच्छा नहीं लगता है, एंड देन वो खुद पढ़ता है ऐसे। तो दलजीत कहती है, अच्छा, इसका मतलब ये है। एंड मसला को फिर अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि पपलू उसको दलजीत के सामने बोल देता है ना कि तुमने ठीक से पढ़ा नहीं। तो मसला थोड़ी सी ऑफेंड हो जाती है, और वो कहती है कि मैं सिर्फ पढ़ रही थी, डायलॉग की तरह नहीं बोल रही थी, डायलॉग डिलीवरी वैसे मेरी बहुत अच्छी है। तो पपलू कहता है, ठीक है बोलो तो फिर डायलॉग की तरह बोल के दिखाओ। बेसिकली वो पढ़ ही रही थी, उसने कोई डायलॉग डिलीवरी नहीं की थी, पर पढ़ना भी उसको आ नहीं रहा था मसला को। तो वो बाद में, वो क्योंकि ऑफेंड हो जाती है तो अपना स्टेटमेंट चेंज करती है। तो पपलू उसको चैलेंज करता है, और मसला उसको अलग अलग तरीके से उस चीज को डिलीवर करने की कोशिश करती है। पहले कॉमेडी में बोलती है, फिर रोमांटिक वे में बोलती है, फिर एटीट्यूड दिखा के गुस्से में सारे इमोशंस, मतलब कुछ खास होता नहीं है, वो भी बकवास ही होता है, बट देन शी ट्राइज टू डू दैट। और पप्लू उसको फिर लास्ट में कॉम्प्लीमेंट देता है कि हाँ हाँ बिल्कुल, ये तो पूरी लास्ट लास्ट वाला जो वो बोलती है, आई थिंक रोमांटिक वाला बोलती है वो। एंड देन पप्लू उसको कॉम्प्लीमेंट करता है कि हाँ बिल्कुल बेबो की तरह बोला है इसने। और पप्लू कहता है कि चलो मैं अब करके दिखाता हूँ, और वो भी सारे इमोशन, सारे ऑल द मतलब वन बाय वन सारे इमोशंस में एक बार बोलता है उसी चीज को, काम ऐसा करो कि लोग कहे तू रहने दे, मैं खुद ही करूँगा। ऐसा कुछ था नहीं इसमें, या तो डिकोड करने जैसा भी कुछ था नहीं, और कुछ खास मेरे पॉइंट्स है नहीं इसमें। यस मीना। मेरे पॉइंट ठीक है मैंने ऐसे बोला नहीं नहीं मुझे पता था तुम्हारे नहीं होंगे नो पॉइंट्स, बकवास डायलॉग डिलीवरी बाय मसला, नो एक्सप्रेशन एट ऑल। कौन देता है यार ऐसे लोगों को काम, समझ में नहीं आता। मसला मतलब इसका इतना एटीट्यूड है, वो बोलती है मैं तो पढ़ रही थी, मैं अब दिखाऊंगी। भाई तुमने अभी कौन सा दिखाया तुमने, मतलब वही तुम जो जैसे पढ़ रही थी वही कर रही थी तुमने, कोई एक्सप्रेशन नहीं है। मतलब तुम वो अलग अलग वे में बोल रही थी, बस बोल रही थी, बट देर इज नो एक्सप्रेशन एट ऑल। मतलब उस टाइम पे जब शहनाज मिमिक्री कर रही थी, यू आर गिविंग डैम एटीट्यूड कि मुझे बहुत अच्छा आता है, इससे भी अच्छा आता है, दैट एटीट्यूड यू आर शोइंग। एंड वो एटीट्यूड मुझे लगा शायद क्या पता सही में डायलॉग डिलीवरी कर लेगी ये, जिस एटीट्यूड से बोल रही थी, बट देखा तो कुछ नहीं था। मतलब बकवास ही था वो। सही में मसला का बहुत एटीट्यूड है। मतलब वो सोचती कि बस, मतलब उसको था कि बस मैं मतलब एक टॉप की एक्ट्रेस हूँ, बस आई नो एवरीथिंग। मुझे लगता है बिग बॉस की आंखें भी खराब है जो टाइटल दिया है मायरा सुपर्ब डायलॉग हाँ, उसको उसको भाई टाइटल भी ऐसा दिया, सुपर, मतलब क्या है, एडजेक्टिव लगा दिया है, जबकि एक से एक बकवास थे उसके जो भी उसने डायलॉग बोले थे। हाँ हाँ ब्लॉसम जी, खुद को करीना समझी वो इसलिए और वो पपलू भी वैसा ही है। इसलिए शुक्ला जी ने बोला बेचारी करीना को पता चल जाएगा तो शर्म के मारे मर जाएगी। तो यही है मसला।
इंटरनेशनल स्टार मसला। हाँ बना लीजिए। राशि समझा करो। हाँ निवेदिता जी समझ गए हम। अरे मैंने यही सोचा, मतलब जब वो बोली मैं पढ़ रही हूँ, मैं अब डायलॉग डिलीवरी करती हूँ, मैंने सही में समझा कि वो इंटरनेशनल स्टार है, अब करेगी। देखा तो पकवास। अरे इससे तो अच्छा हमारी शहनाज यहाँ पे होती ना, आ मस्त मजा आता। हाँ और पप्लू को पता नहीं क्या उसको लग रहा था, अरे बिल्कुल बेबो की तरह किया, कहती है कहता है वो भी, मतलब वो पहले उसको ऑफेंड हो गई थी ना, इसलिए दोबारा उसको मतलब वो कर रहा था कि हाँ चीयर अप बेबी। मैं सोच रही हूँ शांति जी बेचारी बेबो, मतलब जब भी अगर उसको हाँ कहीं मतलब ये आ गया, मतलब उसके सामने ये वीडियो आ गया बेबो की तरह, तो बेबो जी से मैं शर्मा आ जाएगी, पागल हो जाएगी। हाँ अरे आगे आगे मैं इसको लेकर के एक और अनसीन है जहाँ पर सिद्धार्थ उसकी ऐसी बजाता है ना मसला कि पूछो मत। हाँ पता है पता है, वो तो हम तब करेंगे, तब मजा आएगा वो तो वो। तब करेंगे। अभी अभी पूरा खराब नहीं करेंगे फिर, वो नहीं मतलब फिर मजा नहीं आएगा दोबारा दोबारा बिल्कुल से। नहीं, उस बारे में तो बात ही नहीं करेंगे। तो बस बेबो की बात हुई ना तो मुझे वो याद आ गया वो वाला। उसके आइडल को बहुत परेशानी हुई होगी आज जी, बहुत। हाँ मतलब ये पप्लू ना उसको, मतलब ये उसको कहीं बुरा ना लगे, जैसे ऐसा आती जी से मुझे भी लगा उसको, तो चढ़ाता है बेबो दीवा ऐसे बोल के नाम बुलाता है। आई डोंट अंडरस्टैंड वो किस एंगल से दीवा दिखती है, पूरा मुंह हाँ में तो दाने होते हैं उसके। आई शुड नॉट यूज सच, मतलब इतना पर्सनल नहीं जा रही हूँ, बट मतलब जो एटीट्यूड दिखाती है ना मुझे वो बिल्कुल पसंद नहीं आता है, वो शहनाज के सामने दिखाती है, आई हेट इट। हाँ हाँ शांति जी नहीं बोलिए। भाई मैं सुन रही थी। यही था उसका पहले, क्योंकि वो एकदम से उसको बोलता है ना है कितना बकवास पढ़ा तुमने, बेकार पढ़ा, तो वो बुरा मान जाती है। तो इस वजह से उसको फिर बेबो की तरह, बेबो है इस तरह से कॉम्प्लीमेंट करता है तो फिर वो खुश हो जाती है फिर से, क्योंकि रिसेंटली टास्क हुआ है ना, विंडो टास्क में उसको वैसे ही सेव किया है नॉमिनेशन से। हाँ बना लीजिए पप्लू की दीवा है, अपनी हाँ दीवा है ना, अपनी दीवा है ना, मतलब टू मच, अपनी दीवा है ना, अपनी दीवा है करती रहता है वो। हाँ चलो फिर आगे चले, कोई कमेंट्स अभी हैं, आगे चलते हैं। ये इसका टाइटल है मेक सिद्धार्थ लाफ। तो यहाँ यस पर सना सिद्धार्थ छोटी साइकिल मच्छर क्राई बेबी, ये भी नॉमिनेशन टास्क के पहले का ही है और बिल्कुल सुबह का ही है, क्योंकि सना भी अपने नाइट वेयर में ही है और उसके वो जो टॉप होता है उसके ऊपर SN लिखा होता है, ये वही वाला है जो वो फर्स्ट पैचअप के दिन भी वो यही पहनती है। तो उसके बाद उसने पहना ही नहीं, आई थिंक ये पहली बार था वो उस समय है, उसके बाद उसने शायद ऐसे ये पहना ही नहीं है, क्योंकि ये तो दनी वो जो उसका शॉर्ट फॉर्म है वही रिवील कर रहा है सिग्नल आई थिंक, क्योंकि सबकी नजर आ गई थी इसके ऊपर, तो उसके बाद से उसने पहनना बंद ही कर दिया था। और यहाँ पे सिद्धार्थ जो है चाय बना रहा है, कस्यूल घुमा रहा है उसमें बड़े से भगोने में चाय, एंड आई थिंक छोटी साइकिल भी थी वहीं पर, क्योंकि मॉर्निंग की ड्यूटी उन लोगों की थी ब्रेकफास्ट एंड चाय की। और सना कुछ एंटरटेन कर रही है एंड सना एकदम से बोलती है हे बेबी, और पूछती है कि और क्या करूं मैं, क्योंकि उसको कुछ एंटरटेन करना होता है वहां पर। और सिद्धार्थ वहां पर कंटिन्यूसली उसको देख रहा है पर कहता है कि देखने का मन नहीं है मेरा। क्राई बेबी आता है वहां पर और सिद्धार्थ से पूछता है कि हैंड स्टैंड करता है भाई तू, तो सिद्धार्थ कहता है हाँ हाँ पर स्टैंड नहीं हो पाता हूँ। तो मच्छर एज यूजुअल उसका जो पीजे है वो फिर वो एक वो करता है और कहता है बॉम्बे में रहता है ना, हैंड स्टैंड सिर्फ बैंक स्टैंड पे होता है। तो क्राई बेबी फिर उसकी तरफ देख करके बोलता है सिद्धार्थ की तरफ कि इसने यार अब ये दूसरा जोक बोल दिया है। तो सिद्धार्थ बोलता है कि भाई आज के लिए बस है, अब तू मुंह नहीं खोलेगा, अब तू सिर्फ अपने गर्लफ्रेंड के सामने मुंह खोल, क्योंकि हम सब अब नहीं सह पाएंगे। गर्लफ्रेंड इन द सेंस आई थिंक वो बग्गा को लेकर बोल रहा था, हम सब में लड़ाई हो जाएगी कि तेरे से प्यार करने के लिए, इसलिए तो प्लीज हमारे सामने तो मुंह बंद ही रखना।
और सना यहाँ पर अपनी धुन में रहती है, उसको और कुछ एंटरटेन करना होता है तो वो सिद्धार्थ को बुलाती है बहुत प्यार से, और वो कहती है एक और चीज दिखाऊं सिद्धार्थ, एक और चीज दिखाऊं। और सिद्धार्थ यहाँ पर मच्छर के साथ बातें कर रहा है बट पूरा ध्यान से सना की तरफ जाता है और वो कहता है हाँ, बहुत प्यार से वो हाँ बोलता है। तो सना कहती है उसको कि तू ये नहीं कर पाएगा, जिंदगी में कभी नहीं कर पाएगा ये वाला स्टंट। तो सिद्धार्थ कहता है अच्छा हाँ, तो सना पूछती है करके दिखाओ, तो कहता है हाँ करके दिखा, और 1 2 ऐसे काउंटडाउन शुरू करता है। तो सना अपना जो पैर है ना, यू नो लाइक राइट लेग एकदम उठाती है एंड राइट हैंड रख रख के सामने, जैसे 1 एंड डिस्टेंस के लिए रखते हैं वहां रख के पैर अपना उठा करके हाथ को टच करने की कोशिश करती है। और सिद्धार्थ बिल्कुल शॉक हो जाता है, उसका जो एक्सप्रेशन होता है माइंड ब्लोइंग, वो हाथ जिस हाथ में करचुल अपना घुमा रहा है, चाय जो यू नो हिला रहा है, वो छोड़ देता है और अपने फोरहेड पे हाथ रख लेता है कि मतलब अब मैं क्या बोलूँ इसके लिए। इस तरह इस एक्सप्रेशन मतलब उसका एक्सप्रेशन इतना माइंड ब्लोइंग होता है, वो कुछ बोलता नहीं है बट देन उसकी एक्शन। तो सना फिर दोनों पैरों के साथ करती है 1 बाय 1 उठा करके, और राइट लेग उठाती है, लेफ्ट हैंड को टच करती है, लेफ्ट लेग उठाती है, राइट को टच करती है। तो पीछे से मच्छर को तो कुछ ना कुछ बोलना होता है, तो मच्छर कहता है कि दोनों पैर एक साथ कर, और सना वो भी ट्राई करती है और बहुत फनी, दोनों पैर कैसे उठाएगी, पर वो बोलता है तो ये भी वो भी ट्राई करती है, और सिद्धार्थ उसको चीयर करता है ये बोलता है। और मच्छर फिर कहता है कि और ऊपर करने हैं, दोनों पैर और ऊपर करके एक साथ दिखा। तो सना फिर गुस्सा हो जाती है मच्छर पे और कहती है कि तुझे बड़ा ऊपर ऊपर पसंद है, और यहाँ पर वो डबल मीनिंग जोक हो जाता है। सिद्धार्थ उस चीज को समझ जाता है और वो ब्लश उसके चेहरे पर, और फिर वो ना रोक पाए उसको ना हंस पाए, और एकदम अजीब सी सिचुएशन हो जाती है सिद्धार्थ के लिए। और सिद्धार्थ फिर वो डाइवर्ट करता है टॉपिक और कहता है तू जिम्नास्टिक्स कर रही है। तो सना कहती है हाँ मैं जिम्नास्टिक्स कर रही हूँ। तो सिद्धार्थ कहते हैं लग तो रहा है कि तू जिम्नास्टिक्स ही कर रही है और यहाँ पर यह सीन खत्म होता है। मतलब इन दोनों के बीच का बहुत प्यारा था, बहुत मतलब बहुत प्यारा ये है, पर मच्छर पता नहीं क्यों बीच बीच में उसको हमेशा की तरह घुसने की आदत है। 2 से 3 सिद्धार्थ मोमेंट्स है इसमें, और इट वॉज वेरी स्वीट। ये आप लोगों ने देखा ही होगा ये वाला अनसीन, बहुत प्यारा था ये। मीना बोलो। इसमें पॉइंट्स की नहीं, इसमें मेरे जो भी मेरे दिल में जज्बात है वो बोलूंगी। ब्लैक टी शर्ट में, पैंट्स में शहनाज फूल लाल लगी मुझे, बहुत क्यूटी लगती है। मतलब सिंपल हेयर ऐसे मतलब छोड़कर, और ब्लैक टी शर्ट में ना ऐसे लगती है, मतलब सिंपल ना बड़ी अच्छी लगती है, क्यूट लगती है हमारी क्यूटी पाई। और उसके टी शर्ट पे ना SN भी लिखा है, वो थोड़ा सिद्धनाथ जैसा बनता है ना शांति जी, देखा आपने हाँ मैंने बोला SN? वही हाँ। हाँ। फिर बोलती है हे बेबी, जब वो हे बेबी बोलती है, ये आपने गोपी बहू हमारी, उसका मुंह देखना, उसका मुंह सड़ जाता है, पता नहीं क्यों सड़ता है। तो सोचती बस मैं हूँ यहाँ पे, लोग मुझे अटेंशन नहीं दे रहे, ऐसे में शायद उसका मुंह सड़ जाता है। शहनाज बोलती है सिद्धार्थ देख तू नहीं कर पाएगा, तू नहीं कर पाएगा। जब वो करती है ना, तो सिद्धार्थ अपने सर को ना ऐसे हाथ रखता है, वो बड़ा क्यूट है। फिर शहनाज मतलब मच्छर को भी बोलती है, जब मच्छर बोलता है कि तुम दोनों पैर ऊपर उठा के करो, तो बोलती है तुम्हें ऊपर ऊपर बड़ा पसंद है। मच्छर तो छोड़ो, शुक्ला भी सोते होंगे कि क्या बंदी है मेरी। और जो स्माइल निकलता है ना शुक्ला जी का, आए दिल ले लो भाई, मेरा दिल ले लो, ऐसा हो जाता है। मतलब वो एक तो अच्छा, एक मतलब प्योर सा स्माइल था, हल्की सी स्माइल थी, वो स्माइल कुछ कहती है, एंड मुझे अच्छा लगा, वो इमोशनल लगा उसमें, है ना। मुझे बिल्कुल लग रहा था कि ऐसे मतलब फ्रीज हो जाए बस, वो स्माइल करे और शहनाज जैसे खड़ी हो मस्त। मैं कभी कभी सोचती हूँ ना शांति जी, हमारे सिद्धनाथ पे पूरी मूवी बननी चाहिए, मतलब वो मूवी पे ना हिट हो जाएगी, पूरा हाउसफुल। बहुत सारे
बहुत सारे क्यूट मोमेंट्स हैं, और हमारी प्यूटीफाई बहुत प्यारी लग रही थी, सिद्धार्थ भी प्यारे लग रहे थे, सिद्धार्थ भी अच्छे लग रहे थे रेड टी शर्ट में, एंड उससे वो रेड टी शर्ट पे वो जो स्माइल करते ना भाई दिल ले लो, अरे फिर मैं कुछ ऐसा बोलूंगी ना तो मीजी आ जाती है लोगों के वो बोलेगी शहनाज तुमको छोड़ेगी नहीं। हाँ यस यार निवेदिता जी, भावना जी, हाँ निवेदिता जी, हमारे हमारे प्यारे से जनता ना प्यारे भाई प्यारे या चलो कोई पॉइंट बहुत प्यारा नहीं अंतिम करना था है। ये, या बहुत प्यारा अंतिम, बोलने के लिए ज्यादा कुछ नहीं है, बिल्कुल 1 मिनट का ही अंतिम है ये, 1 से 1.5 मिनट का, बट उसमें इतने सारे इमोशंस हैं, और और मच्छर का भी एक ही काम है, हर जगह पर इतने बेकार जोक बोलता रहता है ना, लोग भी फ्रस्ट्रेट हो गए थे उससे हेलो सीमा सी सिंह जी, जी है ये अच्छा सीमा जी ओके एम गायब है। हेलो भावना शर्मा जी, हेलो सोनी जी, सिद्धार्थ का एक ही काम है सना को उतारना। अरे सही में सोनी जी, जिस तरह से सना को उतारता है ना, ऐसे शुक्ला जी कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता, वो जो प्यार से देखने वाली बात है ना, हमारे शुक्ला जी में किसी में नहीं। यस यस सीमा सिंह जी, सिर्फ हैंडसम थिंग इज ऑलवेज हैंडसम यार, क्रश है मीर जी आ जाते, अच्छा हुआ नहीं आई है, नहीं तो बना मेरे क्लास लगती है भी। अच्छा बबीता जी बोल रही हम लोग चार चार बार देखने जाएंगे, हाँ सिद्धार्थ की मूवी बनेगी तो मैं तो चार बार क्या, मैं तो पता नहीं कितनी बार देखूँ। बनाली जी बोली मूवी तो बनाया था फैंस इना जी, जब भी मैं सिद्धार्थ, हाँ यस यस आई सीन दैट मेनी टाइम्स मेनी टाइम्स, लव्ड इट टू गुड, वो जितना भी देखो कम है। अरे मतलब सिद्धार्थ ने बनाया, मैं चाहती हूँ कि डायरेक्टर ले ले इनको, मतलब नेचुरल डायरेक्टर को लेना चाहिए था इन लोगों को, मतलब नेचुरल होता दोनों में और ऐसे हिट हो जाती ना कितना, मतलब हॉस्पिटल हो जाता, मतलब हर जगह हॉस्पिटल, एक्टर नहीं है डायरेक्टर्स होते हैं। चलो आगे बढ़े, हाँ चलो नेक्स्ट करते हैं। इसका टाइटल है पारस लीव्स एवरीवन टंग टाइड। यहाँ पर पपलू, छोटी साइकिल, मोमो, दलजीत, फीफी सब है। छोटी साइकिल अचानक से, मतलब कोई कन्वर्सेशन डेफिनेटली चल ही रहा होगा वहां पर, शुरुआत यहाँ से होती है जहाँ पर वो प्रीवियस वाला टंग ट्विस्टर है वहां से शुरू होती है। ओए लाला गोप गपंगम दास इधर आ। तो पपलू कहता है कि गलत बोला है तुमने, फिर से बोलो। तो फिर बोलती है और 2-3 बार बोलती है और एकदम परफेक्ट बोलती है। तो दलजीत भी बोलती है एंड वो भी अच्छे से बोलती है। तो पपलू कहता है कि हाँ सबके सब बहुत अच्छा बोल रहे हैं, एकदम बढ़िया बोल रहे हैं। तो फीफी कहता है कि ये सब मास्टर है, कहाँ इनसे पंगे ले रहा है, ये लोग मतलब दिन रात यही काम करते हैं, स्क्रिप्ट पढ़ते रहते हैं, तो ये लोग तो बिल्कुल परफेक्ट ही होंगे। तो पप्पू कहता है ये तो मम्मी है, ये बच्चे को सिखा के सीख गई है, मतलब जैसे दलजीत के बारे में कहता है कि ये तो ऑलरेडी मॉम है छोटे बच्चे की, तो उसको सिखा सिखा करके सीख गई होगी। तो दलजीत फिर यहाँ पर एक और टंग ट्विस्टर देती है और कहती है ये तो ठीक है, मैं जो बोलूंगी वो बोल के दिखा। तो दलजीत फिर वो बोलती है ये तो हम लोगों ने भी बहुत बार सुना है, बेटी बॉट अ बिट ऑफ बटर वाला, तो वो वाला बोलती है टंग ट्विस्टर। तो दलजीत बहुत अच्छा बोलती है वो, एंड मोमो एंड मसला उसको देखते ही रह जाते हैं, बिल्कुल मुंह खुला का खुला रह जाता है कि दलजीत इतना अच्छा कैसे बोल रही है। तो पीसी कहता है कि नहीं नहीं इसको तो हम कर ही नहीं सकते, ये तो हम बोल ही नहीं सकते। तो पप्लू कहता है, पप्लू फिर ट्राई करता है बट फिर बोलता है कि बेटर बटर बिटर ऐसे कुछ बोल देता है और खत्म करता है। तो दलजीत बोलती है नहीं 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 ठीक से बोलो फिर से, और वो फिर वो रिपीट करती है, और इतने में फीफी को मौका मिल जाता है और वो गाना बना लेता है और वो गाना गाने लग जाता है। पर क्राई बेबी उनको स्टॉप करता है और बोलता है कि ऐसे नहीं होना चाहिए, ऐसे मतलब बटर बेटर बिटर ऐसे बोलना चाहिए, और बटर बेटर बिटर ये डिफरेंट रहेगा और इसको ही बोलो सारे 5-5 बार, तो वो इतना लंबा कौन बोलेगा। वो लोग इसको भी बोलते हैं बटर बेटर बिटर भी बोलते हैं, एंड छोटी साइकिल फिर और एक टंग ट्विस्टर बोलती है, एंड देन बाकी लोग वो वाला टंग ट्विस्टर भी यू नो ट्राई करते हैं।
इसमें कुछ खास था नहीं, इट वॉज ऑल अबाउट द टंग ट्विस्टर एंड दलजीत को, मतलब एक दलजीत वाला अच्छा था, टंग ट्विस्टर जो बोलती है। अदर देन दैट पता नहीं क्यों ये दलजीत वाला अच्छा था, दलजीत लीव्स एवरीवन टंग टाइड होना चाहिए था, पर इन लोगों ने पारस का नाम क्यों डाला भगवान जाने। ये कलर्स वाले भी ना अजीब अजीब ही नाम दे रहे थे, तो नथिंग मच हियर टू रिकोड। अमीना तुम्हें कुछ कहना है इससे? तो नो नथिंग, बकवास। ये क्या अनसीन था यार, दिखाते हैं बिग बॉस सेमी में बोर हो गई थी शांति जी, जिससे करने लायक कुछ है नहीं। टंग ट्विस्टर क्या था, बोरिंग था। तो तुम्हें बोलना है एक बार बेटी बॉट अ बिट ऑफ बटर, तुम नो ट्राई नॉट एट ऑल, करोगी? नो नो नो, नॉट इंटरेस्टेड। इनके पास के टंग ट्विस्टर में नहीं पढ़ने आने, हमें तो बस इतना हेलो, चाहिए बस। हेलो प्रीत नरवाल जी, आपको मैं पहली बार देख रही हूँ। आप मतलब आज पहली बार आपने ज्वाइन किया है या पहले भी आई थी? या कुछ कमेंट्स भी नहीं आई थिंक सो, है ना? नहीं है, कॉमेंट्स नहीं है। संजना जी कह रही है सब जेलस थे मीना, इनको आगे नहीं बढ़ना देना था, इसलिए तो कुछ बनाया नहीं। क्या बनाया नहीं? मतलब किस बारे में कह रही, मुझे तो कमांड दिखाई भी नहीं दे रहा। कहाँ पे, कहाँ कहाँ जेलस था भाई। जेलस वाली बात पे क्या बनाया नहीं कह रही संजना जी, प्लीज फिर से एक और बार। ओके प्रीत हाँ मुझे मैसेज नरवाल नहीं जी, है। मूवी अच्छा, ओके मूवी बनाया। अच्छा मूवी मूवी, ओके ओके। हाँ जलस से ऐसे जैसे क्यों बनाएंगे सर, हाँ डायरेक्टर भी मतलब जलस से जाते हैं, क्योंकि शहनाज ने ना जब ओटीटी में आई थी करण जौहर से यही सवाल से पूछा था, मतलब आप शुक्ला जी को जानते हो तो फिर मुझे मूवी में क्यों नहीं दिया। वो डायरेक्ट बोलती है करण जौहर से, डायरेक्ट मतलब कोई हिम्मत नहीं कर सकता, हमारी शहनाज ही हिम्मत कर देते, डायरेक्ट बोलती है तुमने क्यों नहीं लिया, मुझे लेना चाहिए था। लेकिन हाँ एज है, ये है बॉलीवुड नेपोटिज्म है, तो ज्यादा डिस्कस नहीं कर सकते। वही यार, सोनी जी कह रही है टंग ट्विस्टर तो क्या पपलू कुछ भी नहीं कर सकता। भावना भावना जी कह रही है आप दोनों महान हो जो इन लल्लू पंजू को सह रहे हो, मुझसे तो देखा नहीं जा रहा। हाँ, तो भावना शर्मा जी मतलब हम मतलब इसको कवर करना है बस, इसलिए देखते हैं, वरना तो देखने लायक कुछ नहीं होता है यार। क्या है ये टंग ट्विस्टर, क्या है ये, मुझे बिल्कुल बोर लगा। मैं तो मैं देखा ही नहीं, मैंने बस एक ऐसी झलकी देखी बस छोड़ दिया, नहीं तो वरना मैं मतलब जो भी हो मैं 2-3 बार देखती हूँ, ऑब्जर्व करती हूँ, कुछ भी बोलना है तो सिद्धनाथ होता है या कुछ और होता है, और ये तो इसमें मैंने कुछ भी नहीं देखा है। जो शांति जी बोली ठीक है मैंने सुन लिया, मैंने तो देखा ही नहीं, हमारी बोर भावनाओं लगा। को समझो भावना जी, कितनी सोनी मूवी जी बनाई की मूवी कलर्स बनाई ने, कलर्स उसपे भी, ने उसने इतना हाँ अच्छा उसने, नरेटिव हाँ एडिट किया। यस आई टू डोंट लाइक, वो कला सा जो ओटीटी में डाला ना वो सेम, जो उन्होंने क्या बनाया था मुझे समझ नहीं आता, वो खाली जो जो भी बिग बॉस में हुआ था वही उसमें डाल दिया उन्होंने, अलग सा क्या बनाया था। वही ट्रायंगल दिखाया, वही शहनाज को ट्रायंगल दिखाया, मसला को ट्रायंगल दिखाया, फिर इसमें दिखाया, फिर इसमें सिद्धनाथ की कहानी बोल के तो समझ में ही नहीं आया। मतलब वो एक ही जैसा लगा, बिग बॉस देखना और वो सिद्धनाथ की लव स्टोरी देखना, एक ही लगा मुझे, पता नहीं। जो फैंस ने बनाया ना, आई आई लव्ड इट, बहुत अच्छा था। मैं कम से कम 4-5 बार देखा, मैंने दोबारा रिपीटेड, हाँ वो अच्छा था बहुत अच्छा था। या अरे उनके लिए कौन देखता है, सिद्धनाथ के लिए कुछ भी रिकॉर्ड नहीं टूटना चाहिए। आई लव बोथ, नहीं टूटेगा, नहीं टूटेगा। देखो अभी भी हम अनसीन कर रहे हैं ना सिद्धनाथ से, टूटेगा नहीं, मजबूत जोड़ है। हाँ यस रूही, नहीं टूटेगा। बिल्कुल सोनी जी ठीक कहा आपने, कलर ने बहुत काटा है, या
उन्होंने बिग बॉस ही एडिट किया है, तो मूवी की कौन सी बड़ी बात है उनके लिए एडिट करना और दिखाना उस तरह से, कोई बड़ी बात नहीं है, इट्स ओके। यस निवेदिता जी, इस बार चैनल्स नैरेटिव की तो जो चैनल्स का नैरेटिव है वही उन्होंने मतलब मूवी में डाला था, कुछ नया नहीं था, सेम वही था, ऐसा लग रहा था बिग बॉस ही देख रहे थे। फायदा क्या है मतलब, तुम सिद्धार्थ की मतलब मूवी लव स्टोरी बना रहे हो, मूवी बना रहे हो तो वो एक सिद्धार्थ की लव स्टोरी दिखनी चाहिए ना, उसमें तुम अपनों को घुसाओ, मसला को घुसाओ, उनको कौन देखना चाहेगा, वी वॉन्ट सिद्धार्थ इन द स्टोरी ना, नॉट दिस पीपल। तो उसने मोमो को घुसाया, तो सेम बिग बॉस ही चल रहा था वहां पे, फायदा क्या है मूवी बनाने। ठीक है, चलो इसका बदला हमारे फैंस ने ले लिया ना, वो जो मूवी बनाते जबरदस्त वो दिखाया बिग बॉस में, ये होती है मूवी सिद्धनाथ की, ये फैंस ने बताया, ऑसम फैंस, थैंक यू फैंस, सिद्धनाथ फैंस। बबीता जी कह रही है मीना मैंने नहीं देखा, बस यूट्यूब पे पाकिस्तान फैन के व्लॉग पर देखा है, इसका भी लिंक है अमन के पास, तो अमन से आप पूछ लो तो वो आपको दे देंगे, जब सिद्धनाथ मेट एंड सिलसिला सिद्धनाथ का दोनों के है ड्राइव उनके पास, तो वो आप उनसे हाँ पूछ। आप कंपेयर करके देखो, आपको पता चल जाएगा कि फैंस ने जो बनाया कैसा है और जो चैनल्स का है वो कैसा है, हाँ बहुत बहुत डिफरेंस है। मैंने भी यूट्यूब पे देखा था जो पाकिस्तानी फैन गए वो जो था, पर वो काफी बिट्स एंड पीसेस में था, 5 पार्ट्स में था, बट अमन ने जब वो भेजा था तो फिर मैंने एट अ स्ट्रेच वो 2.5 आवर्स का देखा था, दैट वॉज गुड, मतलब एट अ स्ट्रेच देखना अच्छा है विदाउट ब्रेक। चलो हम अगले हाँ पे बबीता जी, चलते आप एक हैं। बार अमन से रिक्वेस्ट कीजिए, वो आपको लिंक दे देंगे, आप देख लो, आप जरूर देखना फैंस पर। हाँ आप बोले ना बबीता जी, मैं कहाँ देखूँ, आप एक बार अमन को रिक्वेस्ट कीजिए, मैं अमन से मैसेज कर दूंगी, आपको लिंक भेज देंगे, उसमें जरूर देखना। हाँ बना लीजिए, 2021 में आगे फर्स्ट अगस्त में बनाया था मूवी। दोनों मूवी चलो आगे इसी चलिए समय चलिए। रिलीज हुई थी, 1 जुलाई में और 1 अगस्त में, ऐसे रिलीज हुई थी दोनों। अरे होना था ना, क्योंकि फैंस को गुस्सा आया था ना सिद्धांत जी, वो जो बिग बॉस ने बनाया था मतलब वो क्या कहा था, वो तो कोई मतलब सिद्धांत की मूवी नहीं लगी ना, तो फिर फैंस ने बनाया। हाँ नहीं, पर दोनों एक ही महीने के अंतर में रिलीज हुई ऐसा कह रही हूँ। अच्छा दोनों में, हाँ दोनों एक ही महीने में हूँ। एक 1 जुलाई में हुई थी और 1 अगस्त में हुई थी, ऐसा मैं कह रही हूँ। मुना कह रही है पीपल बॉट टिकट्स टू वॉच दैट मूवी, या देवन जी कह रही है यस मैंने भी यूट्यूब पे ही देखा है, अगर अमन आपके पास हो तो प्लीज सेंड करना, आप उनको डीएम करो वो आपको भेज देंगे। या हेलो यस सिद्धि जी, हाउ आर यू। चलो हम अगले पे चलते हैं, उसका टाइटल हेलो है सिद्धि जी, पारस एडवाइस। पारस यस जा एडवाइस के रासिन, मतलब पारस जो है एडवाइस दे रहा है किसी को, तू स्केयर आसे मासिन को डराओ, तो ये ये क्लासरूम का कन्वर्सेशन है। यहाँ पर दो नॉमिनेशन हो चुके हैं, पप्लू का नॉमिनेशन एंड सिद्धार्थ शुक्ला का नॉमिनेशन, दोनों का हो गया है, मच्छर एंड पीपी और क्राई बेबी इनका नॉमिनेशन बाकी है, तो यहाँ पर पप्लू बिल्कुल बिग बॉस बना हुआ है और इसका ये कन्वर्सेशन है। पप्लू सना को नॉमिनेट करता है तो इस वजह से सना नहीं है वहां पर, मसला पप्लू के साथ साथ पूंछ बनकर घूम रही है उसके, तो वो भी क्लासरूम में होती है, एंड सिद्धार्थ का भी हो गया है, इस वजह से मोमो भी नाराज है कि सिद्धार्थ ने उसको बचाया नहीं है, मोमो भी होती है क्लासरूम में और दलजीत के लैप पर बैठ जाती है। दलजीत यहाँ पर कैमरा में बोलती है कि बिग बॉस जो आपने एंगल्स बनाए हैं ना एंगल्स, और मोमो कहती है हाँ ये फ्रेमिंग जो बनाई है ना, और दलजीत कहती है मुझे ऐसे लग रहा है, एंड वो पॉज देती है, पता नहीं उसको क्या लग रहा था। तो मोमो कहती है मुझे तो बैकग्राउंड बनना है, जूनियर बनना है और मैं जा रही हूँ, तो दलजीत कहती है हाँ ठीक है जा, वो कहती है मैं अकेली जाऊं तुम लोग नहीं आओगे। बेसिकली मोमो को यहाँ पर सुननी थी बातें जो लोग डिस्कस कर रहे हैं कि अगर मतलब किस तरह से लड़कियां आएंगी तो कैसे हमें सेव करना है, तो मोमो को ये जानना था, इस वजह से वो बैकग्राउंड बनना है कह रही थी। तो वो कहती है मैं अकेली जाऊं तुम लोग नहीं आओगे, तो वो कहती है कि दलजीत कहती है नहीं, हम लोग ऑडियंस बनेंगे, तू जा हम हैं यहीं पर। तो
मोमो कहती है मैं पत्र बनू और तुमको आके बताऊं यहाँ पर। पपलू पपलू फिर अपना दिमाग अब लगा रहा है यहाँ पर। मोमो चली जाती है क्लासरूम से बाहर एंड पपलू नहीं मोमो है एक्चुअली। पपलू कहता है कि अब होगा कोयना एंड बग्गा का। तो मोमो कहती है कि हाँ मुझे चाहिए कि मच्छर दलजीत एंड कोयना इन तीनों का हो। तो पपलू कहता है कि नहीं नहीं बग्गा और कोयना का होगा। तो बेसिकली तो हमने देखा है कि कोयना एंड छोटी साइकिल का होता है पर ये लोग अपने अनुमान लगा रहे हैं। तो दलजीत कहती है कि क्राई बेबी आ गया तो वो मुझे नॉमिनेट ही करेगा, मेरा उसके साथ कोई कनेक्शन नहीं है। वो उसने वैसे भी यंग तो वो यंग लड़कियों के पीछे पड़ चुका है। तो पप्लू कहता है कि उसको थोड़ा सा चुल दो, वो उसको भी तो कनेक्शन चाहिए ना। तो दलजीत कहती है कि वो दूसरों के साथ बना रहा है अपना कनेक्शन। तो पप्लू कहता है कि उसको बोलो तुम, पप्लू उसको ज्ञान दे रहा है दलजीत को कि उसको बोलो कि मेरा कोई कनेक्शन नहीं है ना ही तुम्हारा है, हमें बात करनी चाहिए, तूने मुझे नॉमिनेट किया तो मैं तो कनेक्शन कभी भी नहीं बनेगा। तो दलजीत कहती है कि वो बहुत ज्यादा हेडस्ट्रॉन्ग है। तो पप्लू कहता है कि नहीं नहीं वो बहुत बड़ा बेवकूफ है, वो गधा है। तो दलजीत कहती है कि नहीं क्राई बेबी ने तो अंदर जा करके मेरा नाम लिया था लास्ट में, तो कैसे वो मतलब मेरा उसके साथ में कनेक्शन बन सकता है नॉमिनेशन के लिए, नहीं हो सकता है ऐसे। और उसने शेफाली एंड दलजीत का ले लिया था नाम, उसको नाम भी याद नहीं आ रहा था ठीक से। पपलू कहता है कि नहीं बोलो उसको कि तूने अंदर जा करके मेरा नाम ले लिया था, अब तुझे मुझे चांस देना चाहिए। और तो दलजीत कहते नहीं नहीं वो तो मुझसे 100% लड़ने लग जाएगा। तो पप्पू कहता है कि नहीं नहीं वो तुझसे नहीं लड़ेगा। दलजीत कहती है अगर मेरे साथ में बग्गा रही तो फिर पता नहीं क्या होगा। तो पप्पू इज वेरी कॉन्फिडेंट, वो कहता है कि नहीं नहीं आपके साथ तो बग्गा रहेगी ही नहीं। तो दलजीत कहती है छोटी साइकिल अगर खड़ी रहेगी मेरे साथ तो छोटी साइकिल को बचाएगा अगर, क्योंकि उसके साथ में बहुत अच्छा कनेक्शन है उसका क्राई बेबी का, और वो बहुत अच्छा खाना भी बनाती है, उन दोनों की बातें भी होती है, तो कनेक्शन बहुत अच्छा है। तो मसला कहती है कि नहीं नहीं छोटी साइकिल के साथ तो क्राई बेबी की बिल्कुल बनती नहीं है। दलजीत कहती है नहीं बहुत अच्छे से बनती है, इंटरेक्शन बहुत ज्यादा है, मेरा और क्राई बेबी का ही इंटरेक्शन बिल्कुल नहीं है। तो मसला कहती है इंटरेक्शन की बात ही नहीं है यहाँ पर। तो दलजीत कहती है कि क्राई बेबी को तो लड़कियों के नाम भी याद नहीं रहते, कनेक्शन की बात कैसे कर सकते हैं हम। तो पप्लू कहता है पटाने की कोशिश करो आप उसको। तो दलजीत कहती है कि मेरी मच्छर के साथ बहुत ज्यादा बात हो गई है, एक्चुअली चैलेंज यही है कि वो किसको बचाएगा अगर मच्छर हमारे साथ खड़ा हुआ, मेरे साथ अगर खड़ा हुआ, क्योंकि हमारी बहुत अच्छी कन्वर्सेशन हुई है और मैच्योर लेवल पे कन्वर्सेशन हुई है। और पप्लू कहता है कि मच्छर दलजीत और बग्गा अगर है तो शायद मच्छर तो बग्गा को ही सेव करेगा। तो वो कहता है कि अगर कोई ना जहां भी आएगी कोई ना तो सबकी बचाएगी, क्योंकि उसको तो शायद कोई नहीं बचाएगा। तो पप्लू कहता है कि नहीं नहीं कोयना और क्राई बेबी की बहुत अच्छी बनती है। तो दलजीत बोलती है कि नहीं मुझे पता है क्राई बेबी क्या करेगा, आई एम वेरी क्लियर अबाउट इट। वो यहाँ पर दलजीत कहती है मैं रियल बेसिस पे कनेक्शन बना सकती हूँ, फेक नहीं कर सकती हूँ। तो पप्लू तो यहाँ पर बिग बॉस बना ही हुआ है तो अपना दिमाग लगाता है और कहता है मुझे लगता है एक ही बंदा बचेगा, उसके पास ही पावर आएगी, जो चार लड़कियां नॉमिनेट हुई है उनमें से एक को सेव करना है। तो सब लोग सोचते हैं कि जैसे संचालक अबू जी को बनाया जा रहा है तो उसी तरह यहाँ पर भी अबू जी ही होंगे जो एक बंदा जो बचेगा। तो क्योंकि ये पैटर्न समझ रहे थे, एक पप्लू ने जैसे सेव किया दो लड़कियों में से एक को, सिद्धार्थ ने किया और मच्छर को भी वैसा ही, एंड सेम फिर क्राई बेबी को भी वैसा ही चांस मिलेगा। तो बचे अबू जी, तो पप्लू कहता है अबू जी को पटाना शुरू करो, जैसे इन केस तुम नॉमिनेट हो भी जाती हो तो फिर अबू जी तुम्हें सेव कर देंगे। तो दलजीत कहती है हाँ
रीजनिंग दूंगी मैं डेफिनेटली, और मुझे रहना है क्योंकि शो में बहुत आगे जाना है मुझे, और मुझे ऐसे लगता है कि मैं बोलूंगी तो अबू जी सुन लेंगे मेरी बात। यहाँ पर ये अनसीन खत्म होता है, तो बेसिकली यहाँ पे पप्लू बिल्कुल बिग बॉस बना हुआ है, अपना ज्ञान बांट रहा है, एंड दलजीत को वो लोग सोच रहे हैं कि अब ऐसे ऐसे बने हैं तो अब मच्छर के साथ कौन लड़कियां आ सकती है। और यहाँ पर जैसे मोमो पहले कहती है कि मैं पत्र बनूं और मैं आके बताऊं, तो जैसे सना ने उसको टनल वाले टास्क में कबूतर वैसे ही बना दिया था, तो खुद ही बोल रही है पत्र बन जाती हूँ। और पप्लू जैसे कहता है कि बग्गा एंड कोयना, बट और क्लियरली बोलता है, मतलब वेरी कॉन्फिडेंटली बोलता है कि बग्गा और दलजी तुम्हारे साथ नहीं होगी, मतलब तुम दोनों का साथ में नहीं होगा। और तभी बिग बॉस जो है उसकी अगेंस्ट में ही करते हैं, एंड बग्गा एंड क्योंकि बिग बॉस का अपना तो कभी कुछ चलता ही नहीं है, ये लोग जो बातें करते हैं उसी में से वो लोग कैच करके आगे के टास्क दे देते हैं। तो डेफिनेटली इस कन्वर्सेशन के बाद, क्योंकि वो पप्लू के अगेंस्ट भी थे कि पप्लू बिल्कुल बिग बॉस बना हुआ है और अपना एक नरेटिव चला रहा है, तो जैसे ही पप्लू कहता है कि शेफा बग्गा आपके साथ नहीं आएगी, और बग्गा एंड दलजीत को ही साथ किया उन्होंने उस टास्क में, और बग्गा सेव होती है एंड दलजीत नॉमिनेट होती है, तो दैट वाज वेरी एविडेंट फॉर मी, माय पॉइंट ऑफ व्यू। एंड जैसे वो कहता है कि क्राई बेबी तो पागल है, गधा है, बेवकूफ है, तो या अकेला ही अकलमंद है, बाकी सारे तो गधे ही है फिर। हाँ, और ये जिस तरह से नरेटिव एक दे रहा था कि एक अकेला बंदा बचेगा और शायद अबूजी ही बचेंगे, पता नहीं, खुद ही जैसे स्क्रिप्ट लिख के लाया है, स्क्रिप्ट लिख के छोड़ के आया है क्रिएटिव्स के पास और यहाँ पर आ गया है खेलने के लिए, इस तरह से इतने कॉन्फिडेंटली बात करता है ये। दलजीत इज वेरी क्लियर कि क्राई बेबी उसको नहीं बचाएगा क्योंकि उन लोगों का रैपो है ही नहीं वैसा। या और तो और कुछ है नहीं इसमें डिकोड करने के लिए, बट ये अच्छा यहाँ से इसकी शुरुआत होती है दलजीत को पट्टी पढ़ाने की, उसको सिखाने की, पहले भी उसने सिखाया है, इसमें भी उसको सिखा रहा है, एंड वो मटके वाले टास्क में भी वही कंटिन्यू होता है जहाँ पर वो इसकी बात सुन के सना का मटका फोड़ देती है। यस मीना, ये सब वो मैं निवेदिता जी, थैंक यू फॉर करेक्टिंग मी। यस एक्चुअली आजकल ना मैं बादाम पाम खाने लगी, शायद मेरा याददाश्त कमजोर हो रहा है, फिर से बादाम खाना पड़ेगा। ये पहले एक्चुअली मूवी फैंस ने बनाई थी, फिर उसको देखा देखी बिग बॉस ने डाल दिया जल्दी से। यू आर राइट, थैंक यू अरुण करेक्टिंग। एक्चुअली ना पप्लू गेम सिखा रहा है दलजीत को, वाह। और एक्चुअली पप्लू सडनली इंटरेस्टेड क्यों हो गया दलजीत को, एक्चुअली वो पप्लू इसलिए कर रहा था, मुझे ऐसा लगा। पप्लू नहीं चाहता है कि, पप्लू को लगा बग्गा और दलजीत होंगे इस टास्क में, तो वो चाहता है कि बग्गा ना आए, इसलिए वो दलजीत को यहाँ पे गेम सिखा रहा है। वरना वो दलजीत से तो उसका रैपो है नहीं, पप्लू का हमने दलजीत के साथ कभी देखा नहीं। वो अचानक सडनली इसको मतलब दलजीत को गेम सिखाने की क्या पड़ी, मुझे ऐसा लगा वो चाहता है कि दलजीत आगे बढ़े और ये जो बग्गा है वो निकल जाए। जैसे हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है, दलजीत का क्राई बेबी का कनेक्शन नहीं है, वो बोलती भी है तो उसका रैपो है ही नहीं, तो वो उसे ही बोलती है ना कि क्राई बेबी इसको क्यों बचाएगा, जब तुम्हारी बात होती नहीं, तुम तो दलजीत तो बात करती है खाली मोमो से, पापलू से, शुक्ला जी से, इन्हीं से ज्यादा बात करती है, इन्हीं से ज्यादा घुल मिलती है क्योंकि उनके फैन बेस है, तो ग्रेविटी का है नहीं, तो अचानक क्यों करेगी। और पप्लू भी ऐसा है ना कि देखो जैसा वो है फ्लर्ट कहीं का, वो दलजीत को वही सिखा रहा है, दलजीत को बोल रहा है तुम मतलब फ्लर्ट करो क्राई बेबी से, मतलब जैसे तुम कैरेक्टर डेवलप हो वैसे दूसरों को भी बना रहे हो। एक्चुअली पप्लू को भी पता मतलब दिख रहा था, उसको पता था कि क्राई बेबी लड़कियों के नाम पर से चलता है, मतलब इसको कोई भी चलेगी, दलजीत भी चलेगी, जब वो मतलब अपने से इतनी बड़ी एज के साथ भी मतलब लिमिट रह सकता है, तो उसको कोई भी चलेगी, पप्लू को पता चल गया है।
तो इसलिए वो बोलता है कि दलजीत को बोलता है कि तुम उसके साथ मतलब कनेक्शन बनाने की कोशिश करो, वैसे भी वो है ही ऐसा है, जल्दी फिसल जाएगा। हम लोगों ने छोड़ा था ये पारस एडवाइस केयर आसिम, तो ये उस दिन इसी में बहुत ज्यादा डिस्टरबेंस हो रहा था डे 9 के अनसीन में, बट कंप्लीट हो गया था वो एक्चुअली ब्रेक ब्रेक में, तो हम लोग आई थिंक नेक्स्ट पे चलते हैं। बिल्कुल। और गाइस, मीना जी बिजी हैं, इसीलिए अनागा जी उनकी जगह आई हैं। वो जब वापस आ जाएंगी तब वो कंटिन्यू करेंगी। तो कंटिन्यू नाउ शांति जी, अनागा जी। बिल्कुल। हेलो सोनी जी, हेलो बनाली जी। तो ये नेक्स्ट डे 9 का लेट मी टेल यू द सिडनास मोमेंट्स, 83 सिडनास मोमेंट्स हो गए थे हम लोगों ने जब लास्ट किया था, और 11 अनसीन हो गए थे, 22 अनसीन है इसके डे 9 के, तो 11 हुए थे, बाकी हम करेंगे। बीच में थोड़ा सा ब्रेक हो गया था, तो ये नेक्स्ट अनसीन है। इसका इसका टाइटल है रश्मि इज सेइंग सिद्धार्थ फ्रॉड है। तो ये नॉमिनेशन टास्क के बाद का है, सारे लड़कों के हाथ नॉमिनेशंस होते हैं जैसे आप लोगों ने भी देखा है एपिसोड में, एंड शायद ये अनसीन भी देखा ही होगा। यहाँ पर किचन एरिया है, सिद्धार्थ क्राई बेबी सना मोमो दलजीत कोयना छोटी साइकिल सब लोग यहाँ पर बैठे हैं किचन एरिया में, और मोमो यहाँ पर कह रही है, जनरली कह रही है कि अब सोचो ना मुझे कैसे नॉमिनेट कर दिया इन लोगों इसने लाइक सिद्धार्थ ने। और सिद्धार्थ उसी समय एंटर कर रहा है लिविंग एरिया में, बाहर से आता है अंदर, और वो ध्यान नहीं देता इसकी बात पर, एंड वो क्राई बेबी से पूछता है कि तू क्या कर रहा है, वर्कआउट करने जा रहा है, तो वो कहता है नहीं। एंड एज वी नो नॉमिनेशंस जो है वो संडे के दिन होते हैं, जो हमें मंडे को दिखाया जाता था, तो सिद्धार्थ कहता है अच्छा संडे है इसलिए, एंड इसकी बात पे कोई भी ध्यान देता नहीं है मोमो के, इसलिए मोमो फिर रिपीट करती है कि गलत नॉमिनेशन करता है ये एकदम, तो सिद्धार्थ कहता है हाँ एकदम, और वहां से सना आती है एंड जस्ट यू नो ट्राइंग टू लाइटन अप, और आ करके वो मोमो को हक करती है एंड कहती है कि तू क्यों रो रहा है, वो बहुत प्यार से बोलती है उसको, तू क्यों रो रहा है, तू नहीं रो रहा है, तू क्यों रो रहा है। तो वहां पर फिर क्राई बेबी का अटेंशन जाता है, क्राई बेबी आता है इसके पास और कहता है अच्छा तू रो रही है, मोमो को पूछता है, तो कहती है कि हाँ रो रही हूँ मुझे बुरा लग रहा है, तो क्राई बेबी कहता है क्यों लग रहा है, तो मोमो कहती है कि इसने मुझे नॉमिनेट कर दिया है, इसको पहले समझा कि नॉमिनेशन की प्रक्रिया क्या है, ऐसे कोई नॉमिनेट नहीं करता है। एंड सना वहां पर उसके यू नो चीक्स पकड़ करके उसको बच्चा बच्चा करके प्यार कर रही है, पैम्पर कर रही है, तो क्राई बेबी कहता है कि कुछ नहीं हुआ है, अब प्यार मिल गया है आपको, प्यार हो गया है, प्यार प्यार हो गया है, तो प्यार मिल गया है आपको। आई थिंक ही इज टॉकिंग अबाउट हिमसेल्फ, क्योंकि दिन भर ये फ्लर्ट करता है उसके साथ, तो ये अपनी ही बात बता रहा था कि लाइक यू नो आपको प्यार मिल गया है तो आपको बुरा मानने की जरूरत नहीं है। एंड सना प्यार करती है उसको, मतलब बच्चे की तरह मोमो को, एंड सिद्धार्थ बहुत ज्यादा उसके एंटिक्स को देख रहा है एंड हंस रहा है सना को बेसिकली देख करके, और काफी मतलब ये स्माइल कर रहा है लाइक एंजॉयिंग इट। क्राई बेबी यहाँ पर कहता है कि तू क्यों हंस रहा है, सिद्धार्थ को पूछता है तू क्यों हंस रहा है, ये सीरियस कभी नहीं होता है लाइफ में। तो मोमो कुछ कहती है सिद्धार्थ को, इतने में सना फिर मेरा बच्चा ऐसे यू नो कहती है, तो मोमो यहाँ पर यू नो डैडी ऐसे बोलती है, तो यहाँ पर सिद्धार्थ सुनता है वो और कहता है कि डैडी बोले तो होने वाले बच्चों के डैडी, और वो क्राई बेबी की तरफ इशारा करता है। तो दलजीत कहती है आई हर्ड दैट आई हर्ड दैट, तो क्राई बेबी कहता है यार डैडी बोला यार, तो सिद्धार्थ यू नो फिर से वही कहता है कि मतलब डैडी मतलब होने वाले बच्चे के डैडी, एंड ऐसे बात करते हुए वो छोटी साइकिल वहां पे उस पर बैठ के खाना खा रही है, तो उसके पास जा करके बैठ जाता है एंड कंटिन्यूअसली सना को देख रहा है, तो सना फिर हंसती है एंड देन फिर उसको यू नो दूर से जैसे छोटे बच्चों को करते हैं वैसे आजा मेरा पुत्तू आ आ ऐसे मोमो को बोलती है,
मोमो फिर चिढ़ती है एंड मोमो बोलती है कि जा तू अपने लव गुरु के पास जा, और एक स्पून फेंकती है, स्पून या फोर्क पता नहीं कुछ फेंक थ्रो करती है, और सना फिर उसको लाइक रोस्टिंग वे में वो बोलती है मुझे फिजिकली टच किया, लाइक सरकास्टिक वे में, मैं फिजिकली हर्ट हो गई, इसने मुझे मारा, और ऐसे लाइक ड्रामा करती है। तो मोमो भी रोने की एक्टिंग करती है बट वो रो नहीं पाती है, बहुत ज्यादा ड्रास्टिकली फेल होती है उस चीज में जो भी वो एक्ट कर रही है। वो सना फिर से उसको बच्चे की तरह पैम्पर कर रही है और आजा आजा ऐसे बोलती है। तो दलजीत कहती है कि ऐसे कौन करता है आजकल बच्चों को लेकर, बच्चों के साथ। तो सना कहती है मैं करती हूँ ना अपने बेबियों के साथ, और हंसती है। और फिर मोमो के पास जा करके उसको किस करती है, वो तुझे नॉमिनेट कर दिया, कैसा पार्टनर है तेरा, 2 साल तेरे साथ काम किया ना, ऐसे कहती है। तो मोमो बोलती है कि फ्रॉड है, फ्रॉड मेरा पार्टनर, और कहती है कि क्या किया, तो 2 साल क्या किया। तो सना कहती है 2 साल काम किया ना तुम लोगों ने साथ में। तो मोमो कहती है नहीं नहीं सिर्फ 11 मैंने काम किया था, आई थिंक ऑन द होल 1 साल का हो गया होगा। एंड पपलू वहां पर अपना एस्ट्रोलॉजी शुरू करता है और कहता है 1 + 1 = 2, और यहाँ पर यह अनसीन खत्म होता है। तो वॉज अ क्लियर कट। तो उसको पता नहीं क्यों लग रहा था मोमो को कि सिद्धार्थ उसको नॉमिनेट नहीं करेगा, और वहां पर वो जो रीजन दे रही थी कि मैं आपको जानती नहीं हूँ और मैं आपको और जानूंगी अगर मैं रही तो, इस तरह से कोई रीजन देती है। एंड सिद्धार्थ इज वेरी क्लियर कि आज तक आप जानी नहीं है तो आगे भी क्या जानेंगी, मतलब इतने समय से अगर आप जानी नहीं है तो, क्योंकि लोगों ने साथ में किया था काम। तो या शी वाज वेरी आपका या अनघा यू प्लीज कंटिन्यू फॉर अ सेकेंड। आप कुछ कह रहे थे, कंप्लीट नो कर नो दीजिए नो आप। या मैं तुम अपने पॉइंट्स दो, मैं फिर कंटिन्यू करती हूँ, 1 सेकेंड। ओके, हाँ शांति जी, आई टोटली अग्री विथ यू। आप जो बोला था आपने, और मेरा एक और पॉइंट है, कुछ और पर्सपेक्टिव भी है। वो आई गेस मोमो सिंपथी चाहती थी कि देखो मुझे नॉमिनेट कर दिया, मैंने लाइक आई एम फ्रेंड्स विथ हिम बट स्टिल उसने नॉमिनेट कर दिया, देखो देखो। 2 बार बोलती है, एक बार नहीं बोलती वो, वो फिर से दोहराती है। आई गॉट मुझे तब शिकायत जब वो दूसरी बार बोलती है कि देखो नॉमिनेट कर दिया। एंड आई गेस शहनाज शी अंडरस्टैंड वॉट ट्राइंग टू डू। वो ऐसे कहती है कि हाँ, वो थोड़ा पैम्पर करते हुए भी थोड़ा शेड करती है मोमो को कि देखो मेरा बच्चा वैसा, देखो नॉमिनेट कर दिया तुझे, ऐसा लाइक आई गेस वो शेड करना चाहती थी रश्मि को, सॉरी मोमो को, कि उसको पता था वो क्या करना चाहती है, वो सिंपथी लेना चाहती थी ऑडियंस से। एंड वो दे रही थी इन अ सरकास्टिक वे, एंड वो इतना स्वीटली शेड करती है ना कि मोमो को भी नहीं पता चलता। आई गेस इसलिए सिद्धार्थ हंसता है जब उसको पता चलता है कि वो क्या कर रही है। एंड हाँ, यू वांटेड टू टेल समथिंग? नो नो आई जस्ट आई वाज जस्ट एडिंग यस यस टू योर पॉइंट। ओके, या यू हाँ, कंटिन्यू। जब वो लाइक मुझे हंसी आई तब क्राई बेबी लाइक मोमो बोलती है ना डैडी डैडी, तब सिद्धार्थ ऑल्सो शेड्स हर कि देखो मेरे होने वाले बच्चे की डैडी। दैट वाज उतना ही था मेरा, लाइक वो शेड लाइक शी वाज गिविंग इट बैक। या एंड यहाँ पे सिद्धार्थ भी रोस्ट ही करता है हाँ उसको, लाइक हाँ क्योंकि वो दिन भर क्राई बेबी के साथ वो भी वो कर रही थी, लाइक प्लॉट कर रही थी, वो भी उसके साथ प्लॉट कर रहा था। तो दैट्स व्हाई वो जब डैडी डैडी बोलता है तो ही पॉइंट्स आउट टुवर्ड्स आस क्राई बेबी एंड सेस कि बोले तो होने वाले बच्चे के डैडी, एग्जैक्टली लाइक एग्जैक्टली मोमो के क्राई बेबीज मोमो के होने वाले बच्चे के डैडी। डम नहीं था कि उसको पता नहीं चल रहा था उसके आसपास क्या हो रहा है। ही न्यू वो क्राई बेबी को अट्रैक्शन है टुवर्ड्स मोमो, एंड वो पता चल रहा था। एंड वो टाइम आने पे बोलता है वो, इवन शहनाज। या इवन शैनर, बट इसका बहुत ही सॉफ्टली बहुत ही पैम्परिंग वे में इट वाज लाइक कि अच्छा सैड हो गई, अच्छा सैड हो गई, वो तो रो रही है रो रही है। बिकॉज एक्चुअली आई डोंट थिंक वो उसको इतना कुछ अफेक्ट हुआ भी होगा मोमो को, शी वाज जस्ट वही जैसे तुमने कहा सिंपथी गेनिंग,
थिंग कि इसने मुझे कर दिया। एंड देन वो एपिसोड में ये भी बोलती है कि तुझे मतलब तू इसको लाइक झमुरी को ज्यादा जानता है मुझसे, या झमुरी तेरी ज्यादा अच्छी क्लोज फ्रेंड है मेरे से, ऐसा भी वो एपिसोड में बोलती है व्हेन ही सेव्स झमुरी, क्योंकि शी रियली सेज कि मुझे रहना है और मुझे नहीं जाना है, एंड ये कुछ अलग ही बोलती है। एंड एनीवे इट वाज ऑब्वियस ही वोंट सेव हर, तो जो भी उसके अगेंस्ट में रहेगा उसी को सेव करेगा, जो भी होता उसके उसको ही सेव करता, मोमो को तो आई डोंट थिंक ही वुड हैव सेव हर। नहीं, वो एक्सपेक्ट कैसे कर सकती है सिद्धार्थ उसको सेव करेगा इन फ्रंट ऑफ झमुरी, जब उसको पता है, वो खुद बोल रही है वो एक ही टीम में है, जमुरी सिद्धार्थ एक ही टीम में है, वो कैसे बोल सकती है कि वो मुझे बचाएगा। एंड आई डोंट नो हर एक्सपेक्टेशंस, पर मैंने एक और बात नोटिस की, बिग बॉस ने भी एक वही क्लिप में उन्होंने दिखाया है, लाइक पीछे साकी और छोटी साइकिल बैठी है गिविंग दिस ईविल क्रीपी लुक, वो ऐसे देख रहे हैं ना, जब शहनाज शी इज ट्राइंग टू पैम्पर मोमो विद स्पेशली साकी, शी इज गिविंग सच ए ईविल लुक, डर जाए यार कोई, शहनाज सही बोलती है, वो डर लगता है उसे देखकर, रात में कैसे बैठी थी, लाइक आई डोंट नो हाउ पीपल वेयर देयर, इतना वो डर डराती है सबको। राइट हाँ सोनी जी, क्योंकि सिद्ध ने बोला था सीसी को कि मोमो के लिए आएगी तो तोड़ के जाएगी, ही न्यू मोमो वेरी वेल ना, तो इसीलिए उतनी क्लैरिटी थी उसको, और बिग बॉस ने यार मैं अनघा हूँ, मैं अनघा हूँ मीना जी, नहीं हो मीना जी शादी के लिए गई है 4-5 दिन, वो आ जाएंगी तब तक मैं रहूंगी, and she'll come back soon. तो तुम एकदम से मतलब कई लोग अभी ज्वाइन हुए ना, तो अमन ने पिन करके रखा है मीना जी बिजी अनघा ज्वाइंड विद शांति जी या क्योंकि लेट ज्वाइन हो रहे हैं, उन लोगों को एकदम से लग रहा है स्पीकर चेंज ये किसका आवाज है, हाँ बट रिकॉग्नाइज्ड यू, बट दे रिकॉग्नाइज्ड यू, so sweet of them. YouTube पे सुना होगा बहुत लोगों ने ना, and I'm not coming like almost 3-4 हफ्ते से मैं नहीं आ रही हूँ, timings match नहीं हो रहे, आ जाऊंगी जल्दी YouTube पे भी। comments ये comment मैंने कुछ पढ़ा था, I'm just scrolling इन द कमेंट्स, आप देख रही थी एक कमेंट पढ़ा था, हाँ देवन जी कह रही है पार्थ ने कैसे शर्बोरी को नॉमिनेट कर दिया अच्छा देवन जी हाँ। कह रही है नहीं, जब जब मोमो बोलती है लाइक सना बोलती है ना, जब 2 साल काम किया है, मोमो कुछ और बोल रही होती है, देन अगेन विद सम 3-4 सेकंड्स वो फिर शिफ्ट करती है कि बोलती है हाँ हाँ क्या 2 साल 2 साल, she wanted to highlight that, हाँ 2 साल क्या किया, like she I think she doesn't मतलब उसको सुनाई नहीं देता है कि इसने काम किया है, मोमो थिंक्स कि ये कुछ और कह रही है, you know, जो बाहर जो ये करके आई ना काम सारे, तो she thought कि ये कुछ और कह रही है तो इसको और हवा दे सकते हैं, बट देन अगेन शी जोर से वो बोलती है काम किया है, तो फिर वो कहती है कि काम तो 11 महीने किया है बाकी और बहुत कुछ किया है काम के अलावा कंट्रोवर्सी कुछ किया है, और सिद्धार्थ ही वो आई गेस वो स्टेज पे भी उसने बोला था कि सच जो बोलती है वो कुछ बोला था उसके बारे में, जब दोनों एक टास्क कर रहे होते हैं स्टेज पे फर्स्ट डे पे, ही ऑल्सो गिव्स लाइक वो टाइम आने पे बोलता है जिसको समझदार को इशारा काफी है, ऐसा होता है वो, एंड दैट इज व्हाई पीपल डिडंट अंडरस्टैंड हिज पर्सपेक्टिव कि वो कहना क्या चाहता है एंड वो क्या कह रहा है, देयर इज अ डिफरेंस, वो बहुत बिकॉज ही वॉज इंटेलिजेंट
उसको नहीं पता था कि जो बैठे हैं यहाँ मेरे साथ जो कंटेस्टेंट है वो डम है, उनको पता नहीं चलता था। एंड मैंने ऑब्जर्व किया जब वो क्रैक करता है ना जोक, किसी को नहीं पता चलता हुआ, वो खुद हंसता है। एंड व्हेन वी सी 2-3 टाइम्स तब हमें पता चलता है वो क्या कैसे कौन सा जोक किस टाइमिंग पे किस पे मार रहा है। राइट। भावना जी कह रही है क्राई बेबी एंड मोमो के बच्चे तौबा, फिर से दुनिया को कौन बचाता। मोमो को नॉमिनेट करने के बाद मोमो अपनी गेम चेंज किया था, सिट के साथ दुश्मन किया था एग्जैक्टली। पॉल जी, आई डोंट नो, बर्नाली सॉरी, जी, बर्नाली जी, वो नेक्स्ट डे पे ही वो किचन का कुछ तो कांड करती है, वो शी शाउट्स की सब। तब तो सिद्धार्थ ने बोला था तेरी आवाज की औकात, एंड शी टर्न्स इनटू से मेरी औकात के बारे में कैसे बोला तुमने। एंड सोनी जी इज कॉम्प्लीमेंटिंग यू अनघा, आप भी अच्छे से रिव्यू कर रहे हो अनघा जी। सी थैंक यू सो मच। मीजी कह रही है क्राई बेबी की बीवी क्राई बेबी की भाभी भी बनी थी कुछ दिन के लिए। कैसे हो सकता है बीवी टू भाभी। दिल से दिल तक। किसका दिल से दिल तक शांति जी। बीवी से भाभी तक, भाभी का दिल से दिल तक। या बर्नाली जी किचन पॉलिटिक्स स्टार्ट किया था मोमो ने, एकदम से सिद्धार्थ के पीछे पड़ गई। या एग्जैक्टली वो ऐसे लाइक शी ओपन्ड हर कार्ड, ऐसे उसने खोला कि सबको पता चल गया कि वो दिस इज नॉट नेचुरल, दिस इज सो अननेचुरल ऑफ हर टू डू इट। हाँ नूतन जी करेक्ट बोला होता तो भी क्या मोमो की औकात ही नहीं। बट वो पॉइंट पे उसने बहुत बवाल किया था वीकेंड के वार तक, औकात की बात करता है, इसने मुझे क्या बनाया है, इसने कौन सी मेरे पे वो की है, अपना अपना काम करती हूँ, अपना खाती हूँ, पता नहीं क्या क्या बकवास बातें की थी, जबकि उसने कुछ बोला ही नहीं था। आवाज एंड ही क्लियरली क्लैरिफाइड दैट पॉइंट की आवाज की औकात, मतलब तुम भी जितना अपने स्ट्रेच में चिल्ला सकती हो उतना चिल्ला रही हो। एग्जैक्टली वो उसने तो मंडे से थर्सडे तक खींचा है, उसने थर्सडे फ्राइडे तक। एंड इन द सेकेंड वीकेंड का बाद लाइक व्हेन ही ट्राइड टू लाइक यू नो क्लियर ऑफ थिंग्स और कम्युनिकेट करने की कोशिश की तो वो नजरें भी मिला नहीं पा रही थी, आई कॉन्टेक्ट ही नहीं था बहुत। She was so so rude. And Devan ji कह रही है बीवी से भाभी का सफर, बीवी से भाभी का सफर क्या क्या देखा हमने। मीत जी बोल रही है अच्छा है हम अंधे हैं। सीरियसली पहले वीक स्वीट बन के सिद के साथ जोड़ी बनाना चाहती थी, सेकेंड वीक सिद नॉमिनेट किया तो उसकी असली फेस बाहर आ गई। या एंड आई फील दैट इज व्हाट सिद्धार्थ वांटेड, कि इतनी मीठी छोरी बन रही है फर्स्ट वीक। ही वाज आल्सो की शॉक्ड कि ये प्रिटेंड कर रही है, उसको पता था। एंड जब उसने नॉमिनेट किया ना भाई साहब, नेक्स्ट डे उसका अवतार जो वो कर्ल्स करके भी आती है, शी इज गिविंग ऑल द विलन वाइब्स। उसका अवतार तो नेक्स्ट डे इट वाज पता चल रहा था, वो चढ़ रही है सिद्धार्थ के ऊपर इंटेंशनली। नूतन जी कह रही है सिद्धार्थ ने मुझ पे कोई एहसान नहीं किया, सिद्धार्थ ने किया था एहसान, सिद्धार्थ ने सीरियल छोड़ा था, मोमो को पैसे की प्रॉब्लम थी। हाँ, ये बात तो मैंने भी सुनी थी कि उसने सीरियल छोड़ा था पैसे की प्रॉब्लम, मतलब इसको फेवर करने के लिए उसने सीरियल छोड़ा था, ऐसे मैंने भी सुना था। बट देन आई फेल्ट कि उसको तो इतना ज्यादा ह्यूमिलिएट किया गया, इतना सारा गलत गलत छाप दिया, एंड आई थिंक दैट वाज द रीजन कि उसने छोड़ा, इससे उसको कोई मतलब आई डोंट नो। इवन आई फील दैट इतना हंगामा मच गया था तब कि क्या क्या आर्टिकल जा रहे थे। एंड सिद्धार्थ ने खुद बोला है कि स्पॉट बॉय सब आकर उसको बोलते थे ये तो आपने नहीं किया, ये तो मोमो करती है, आपके बारे में कैसे लिखा है लोगों ने।
हाँ तो आई डोंट फील कि उसने उसके उसको फेवर करने के लिए छोड़ा होगा. वो खुद मतलब बहुत ज्यादा फेस कर चुका था तब तक कंट्रोवर्सी एंड दोज इश्यूज, तो इस वजह से फिर उसने छोड़ दिया. बिकॉज मैंने सुना कि मोमो के पास तो इतने सारे घर है, तो मतलब हाँ इतने घर अगर लिए हैं तो पैसे की प्रॉब्लम कैसे आ गई. नहीं, सलमान सर तो खुद बोलते हैं ना कि उन्होंने आई डोंट नो द एपिसोड, पर उन्होंने बिग बॉस पे ही बोला है कि जब मोमो बोलती है कि मेरे पास पैसे नहीं थे, एंड हाँ सलमान सर बोलते हैं हाँ इतना सारा घर तो है, फ्लैट या फोर टू लिया फाइव है। या फोर टू फाइव फ्लैट्स है उसके पास में, और इतने पैसे होने के बावजूद लाइक हाउ कैन यू बी लाइक बैंकरप्ट और व्हाटएवर. हाँ बबीता जी, उसने तो बहुत कुछ बोला है 2 सितंबर के बाद। उसने उसका अवतार फिर से चेंज किया उसने, एंड बहुत कुछ शी हैड टेकन सिंपथी आल्सो आफ्टर 2 सितंबर, क्योंकि बिफोर अगर 2 सितंबर से पहले कुछ बोलती तो डिफेंड करने वाला था। एंड अभी फिजिकली नहीं है पर है, पर उसको वो कॉन्फिडेंस मिल गया कि कौन बोलेगा मुझे ये झूठ है, तो शी गॉट दिस कॉन्फिडेंस एंड शी हैज टोल्ड लॉट ऑफ थिंग्स। हमें पता नहीं है सच है कि झूठ है, वो तो रूमर्स ही मैं समझूंगी वो। ये इन सब चीजों को लेकर जो जानता है वो सिद्धार्थ के अलावा तो उसकी फैमिली एंड शहनाज ही जानती है. एंड दे डिडंट फील लाइक जो बोलती है बोलने तो बहुत लोगों ने बोला है ये भी बोल रही है, डजंट मैटर सच क्या है ये उन लोगों को पता है. एंड जैसे सिद्धार्थ कहता है ना, घर घर जाके पेपर बांट पे, पेपर में थोड़े ही हम लोग वो करेंगे कि ये सच है या ये गलत है. तो बहुत लोग बोले हैं मोमो मोमो तो नहीं, मोमो तो है ही, मोमो के अलावा और भी लोगों ने बहुत कुछ बोला है. तो इट हार्डली मैटर्स टू देम जब इन लोगों को सब पता है. या भावना जी, नुस्खन इसलिए तो रामलाल रामलाल है क्योंकि जी और वो बोल रहे हैं कि रामलाल ने भी तो बोला था मोमो सड़क पे थी, मैंने उसको वापस स्टैंड किया हाँ मैंने वापस सेंड किए. इसलिए तो हम उसको रामलाल बोलते हैं क्योंकि वो ही बिलीव्ड एवरीथिंग। वो हो गया वो पागल, आई डोंट नो, वो आई गेस उसको दिमाग था या नहीं था, वो उसको यूज नहीं कर रहा था, या ही वॉज ब्लाइंडेड विथ लव और समथिंग, पता नहीं, पर वो बेवकूफ ही था। हाँ मीत जी, लेकिन उसने खुद बोला था कि उसके पास पैसा नहीं था, वो एक रात कार में सोई, पी के कार में लुढ़क गई होगी. हाँ कार आई एम लाइक फ्लैट नहीं था पर कार था, की कैसे? एग्जैक्टली क्या जरूरत है, पैसा फ्लैट पैसा नहीं चाहिए तो था, कार कार भेजो, था और पीने के लिए पैसा था, कार था और पैसा बाकी और बैंकरप्ट हो गई थी. हाँ नूतन जी कह रही है रश्मि दास आई तो मुझे लगा रश्मि दास गॉड. और कुछ हम लोग मिस कर रहे हैं क्या? हाँ 3 सितंबर नाची थी मोमो, रंजना जी कह रही है. हाँ वो तो था, बहुत लोग तो थे उसके सबने साथ। देखा था. सना जब कनाडा गई थी तभी मोमो ट्राई किया था सिद्धि के साथ दोस्ती करना, क्योंकि बिंदु जी की वाइफ का नेल पार्लर ज्वाइन किया था. तब विंदु, बिंदु ओके जी विंदु विंदु सिद्धि से मिले. ओके हाँ ये तो ट्राई करेगी ना, ये तो इधर नहीं तो उधर, नहीं तो उधर, हर जगह इसने ट्राई किया है सब जगह. अभी भी तो ट्राई कर रही है, हाँ अभी भी अभी कौन सा रुकी करेगी. है। हाँ हाँ नूतन जी कह रही है कार कौन सी, रेंज रोवर. हाँ रेंज रोवर था और फ्लैट नहीं था, यार क्या बात कर रहे हो आप। एंड अभी किसी का कमेंट भी था कि फर्स्ट मैरिज से उसने फ्लैट लिया था, फर्स्ट हस्बैंड से लिया था फ्लैट. न्यू मीजी कह रही है कुछ लव शव नहीं था, उससे भाड़े के टट्टू बना के लाया था. हाँ फेब्रुवरी से कोचिंग दे रही थी उसको. बिग बॉस में लाने के लिए हाँ बिग बॉस में लाने के लिए एंड सिद्धार्थ के अगेंस्ट होकर सिद्धार्थ से लड़ने के लिए. पर कंपेयर भी कैसे कर सकते हो आप कि रामलाल सिद्धार्थ से लड़ेगा,
वो आपने देखा है उसको, सबने देखा है कि वो कैसा है और कैसा बोलता है. इज दिस क्या बोलते हैं वो कुछ नहीं है सिद्धार्थ के सामने, वो खड़ा होगा तो वो रामलाल दिखेगा. हाँ जैसे वो फर्स्ट मैरिज की बात, वो सिद्धार्थ आफ्टर द स्पाइडर टास्क बोलता है ना, तुझे तुझे रखा है किसी ने, तो वो कहती है हाँ हाँ मैं तो रही हूँ, तो कहता है कि हाँ जहाँ तू घर घर खेली मुझे तो कोई नहीं रखता, कहता है उसके बाद तू रही कहीं पर, तो कहता है कहती है कि हाँ हाँ तो मैंने हाँ हाँ जा तू घर घर खेली, तो सिद्धार्थ एवरीथिंग अबाउट हर, ऐसा कुछ नहीं था जो उसको पता नहीं था. एंड वो वही सीक्रेट रूम में भी बहुत अच्छे से बोलता है, मैंने उसको देखा, मैंने उसको समझा और मुझे समझ में आया कि बहुत बड़ा झोल है ये, इज वेरी क्लियर. तो बस वो एक एंड प्रोफेशनल रिलेशनशिप था, इस वजह से काम कर लिया, उसमें भी इतने हंगामे हो गए. वो पर्सनल कुछ लाना ही नहीं चाहता था क्योंकि था ही नहीं. अब वो इतनी वो शी वाज लाइक हाँ पर्सनल था हमारा, पर्सनल था हमारा, क्या वन साइडेड था तुम्हारा? इट वॉज आई कंसाइडेड ही था फील ना. इट वॉज वन. हाँ एंड शी हैड गिवन ऑल द टैग्स जो उसका है वो शनाज को दे रही थी या सिद्धार्थ को दे रही थी. जो वो नशा करता है, बबीता जी बोल रही है यहाँ ना, जो वो खुद करती थी एंड दूसरे को बोल रही है कि वो करता है, वो क्या क्या बोला है गंजेड़ा एंड ऑल. आई डोंट इवन वॉन्ट टू से दैट. इतना घटिया घटिया चीज बोली है सिद्धार्थ को जो उसने किया है. वेदर इट्स वन साइडेड कटैक जो अभी तक चल रहा है, जिन जिनको दिमाग नहीं है वो देख नहीं सकते या वो खुद ब्लाइंड है, तो वो अभी भी चल रही है क्योंकि उसने दिया है. शी स्टार्टेड, शी एंड जमुरी सबने स्टार्ट किया था. जो कि जमुरी भी वन साइडेड था, मोमो का भी वन साइडेड ही था. एंड आई गेस जब वो सीरियल दिल से दिल तक का सिद्धार्थ की माँ जो प्ले कर रही थी, पार्थ की माँ, उन्होंने बोला था कि शी वॉज लाइकिंग हिम एंड ही डिंट आई डोंट नो, ही वॉज नॉट लाइकिंग एंड ही टोल्ड नो और समथिंग. तभी मुझे मुझे पता चला कि उसका वन साइडेड था एंड शी वॉज गिविंग एवरी वन टैक टू हर टैक टू एवरी वन. एंड स्पाइट ऑफ ऑल दिस शी फेल्ट कि ये मुझे मतलब इतना सब मैंने, एंड दैट वाज द रिजेक्शन, वो रिजेक्शन की वजह से ही उसने बाहर जो किया इतना सारा काम गलत किया, हाँ कॉन्ट्रोवर्सीज एंड ऑल, एंड देन इतना करने के बाद ही एक्सपेक्टेड कि इधर ये उसको सेव करेगा, और जब सेव नहीं किया तो असली फिर मोमो हमें दिखाई दी. एग्जैक्टली ऑन पॉइंट. एंड सोनी जी कह रही है शांति जी जैसे चोरी के चीज के पराठे खा रही थी वैसे ही नंदिश और रामलाल के पैसे चोरी करके फ्लैट लिए होंगे. हाँ बिल्कुल, इसमें कोई शक शक ही नहीं है, बिल्कुल 100% सोनी जी. चलो विल मूव टू द नेक्स्ट, इस पे भी बहुत सारा बात हो जाए, हो सकता है. इसका टाइटल है रश्मि इज सेइंग टू झामुरी लाइक आरती क्लियर द एयर. ये मॉर्निंग टाइम है, मोमो एंड झामुरी दोनों गार्डन बेंच पे बैठे हैं, तो मोमो यहाँ पर कुछ कन्वर्सेशन उनका हो रहा था और उसी का कंटिन्यूएशन है जो दिखाया है. मोमो कहती है मैं फेवर में भी कर देती मतलब कोई काम, तो झमुरी कहती है कि जब हम दोनों टास्क खत्म करके बाथरूम गए थे तब तू नाराज थी बग्गा से. ये कौन सी टास्क की बात कर रही है? डॉक्टर टास्क की बात कर रही है जहां पर बग्गा ने बहुत कुछ बोला था झमुरी को, एंड झमुरी रोते हुए जाती है, तो मोमो इसको माइक दोनों बाहर टंगाते हैं एंड देन दे बोथ रश इनटू द बाथरूम. तो ये उसकी बात कर रही है, एंड जहाँ पर झमुरी बहुत गुस्सा हो जाती है बग्गा से, एंड मोमो भी उसके हाँ में हाँ मिलाते हुए नाराज हो जाती है. तो कह रही है कि हम दोनों जब टास्क खत्म करके बाथरूम गए थे तब तू नाराज थी, तो मोमो कहती है हाँ मैं थी उसके ऊपर और मैं उसी के ऊपर टिकी हूँ अभी तक. तो मोमो कहती है वो अंदर इतना इतना तू गुस्सा कर रही थी एंड बाहर आकर के सडनली तू बोली कि तू वो सही है मतलब ठीक है वो शी इज राइट, तो रॉ थॉट है उसका, तो मुझे बहुत गुस्सा आया. तो मोमो कहती है कि तू वहां पर बहुत गलत थी, तूने जरूरत से ज्यादा तूने रिएक्ट किया जिसकी जरूरत नहीं थी, इतने रिएक्शन थी. तो झमुरी कहती है कि तुम भी गलत थी फिर, क्योंकि तुमने बाथरूम में मुझे कहा था कि तुम बहुत गुस्सा हो और उसके बाद तुमने उसे फिर दोस्ती कर ली और तुम नॉर्मल हो गई उसके साथ. तो मोमो कहती है कि इतना बुरा मत लगा, उसने ऑन द स्पॉट बोला, इट वॉज अ रॉ थॉट एंड शी सेड कि उसने कुक किया था ये थॉट, तो और तूने उस चीज को उसने सॉरी बोला और तूने उस चीज को ओके बोला.
ओके बोलने के बाद क्यों मतलब वापस वही चीज पे है? तो झमुरी कहती है पर्सनल अटैक हुआ तो मैं डाउन थी बहुत। तो मोमो कहती है मुझ पर भी हुआ जिस दिन मच्छर ने बोला कि एक दो सीरियल करती है उसके बाद कोई काम नहीं किया। तो मोमो कहती झमुरी कहती है कि ये कब था मुझे तो नहीं पता ये कब बात हुई। मोमो कहती है कि तू क्या कर रही थी वहीं पे तो बैठी थी तू क्या वहां भजन कर रही थी? तो वो कहती है कि हाँ ठीक है जो भी है बट मेरा जो हुआ था ये पर्सनल अटैक था। तो मोमो कहती है कि मेरे पे जो हुआ जो डे ने बोला लाइक जो मच्छर ने बोला वो भी पर्सनल अटैक ही था। तो झमुरी कहती है कि क्या उसने अजीब सी बातें की अजीब सी बातें बोली है बग्गा ने बहुत ज्यादा अजीब सी बातें बोली है। तो मोमो कहती है कि उसने आकर क्लियर किया कि वो रॉ था इट वॉज स्पोक अगर तुझे कोई प्रॉब्लम थी तो तुझे इस रोके नहीं बोलना चाहिए था। तो झमुरी कहती है देख तेरा मेरा अलग है और मेरा उसका अलग है। बाथरूम में जब बग्गा के ऊपर तुम्हें गुस्सा आया और तुम मेरे साथ अंदर आई बाथरूम में उसके बाद तुम बाहर गई तो तुम नॉर्मल हो गई तो ये कैसे सही हो सकता है? तो मोमो कहती है कि देख तूने उसने तेरे को सॉरी बोला उसने सब चीजें बोली और तूने इट्स ओके बोला और जब इट्स ओके बोल दिया देन सब चीजें क्लियर हो जाती है और अगर तू क्लियर अगर तू हर्ट थी तो तूने इट्स ओके क्यों बोला? यू शुड से कि आई एम हर्ट। तो झमुरी कहती है कि मैं क्या बोलती और उसने इतनी बार मुझे सॉरी बोला तो फिर तू बोल दे कि मैं हर्ट हूँ इसीलिए। तो कहती है हाँ ठीक है लोगों के पीछे इतना मत पड़ जाओ पर्सनल इतना मत जाओ एनीवे अगेन शी सेज इट्स ओके। तो झमुरी यहाँ पर बातों बातों ही घुमा रही है आई फेल्ट कि बिना मतलब का वो पहला टास्क जो हुआ उसी का अभी भी मुद्दा बना रही है क्योंकि शी डिस्कस वंस विद मोमो बट इतना लंबा डिस्कशन नहीं हुआ जो अभी हुआ। एंड अभी वो झमुरी जो है मोमो के ऊपर पूरा बिल फाड़ने की कोशिश कर रही है कि तूने तूने फिर बग्गा से क्यों दोस्ती कर ली अब उसने मुझसे ऐसे बोला तू भी गुस्सा हुई फिर तू क्यों? तो फिर मोमो क्लियरली बोल दिया जब तूने इट्स ओके बोल दिया जब बात खत्म हो गई तो फिर क्यों ना करूं एंड इट्स ऑल फाइन वो सब ऑन द स्पॉट था पर झमुरी उस चीज को छोड़ना ही नहीं दे रही है एंड उस चीज को वो मुद्दा बना ही रही है जो बार 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 शहनाज कहती है ना बार बार बोलो तो मुद्दा बनता है। एंड शी फेल्ट कि चलो लास्ट वीक पिक नहीं हुआ इस वीक तो पिक होगा शायद और इसीलिए फिर वो कंटिन्यू ही कर रही है इवन आफ्टर दैट टास्क वीकेंड का वार सब हो गया उसके बावजूद शी वेंट पर्सनल शी सेड दिस शी सेड दैट उसका ये कंटिन्यू ही था रोना ये सनदा। मुझे जब मैंने देखा था आई फर्स्ट मैंने बॉडी लैंग्वेज मैंने देखा जैसे मोमो बैठी है ना शीज इन द गार्डन बेड गार्डन एरिया का सोफा या कौच कुछ भी बोल सकते हैं वो बैठी है वो पूरी जगह ले रही ले चुकी है वो सोफा के एंड शी एंड झमुरी सिटिंग इन द कॉर्नर लाइक वो अथॉरिटेटिव वाला होता है ना मोमो का लाइक शी हैज दिस ईगो ऑन हर हेड वो ऐसे बैठी है एंड झमुरी वो थोड़ा डर के बैठे होते हैं एंड शी हैज पुट हर लेग्स ऑन द फ्रंट टेबल एंड मोमो ने पूरा वो सोफा ऑक्यूपाई किया है आई सॉ दैट। मुझे लगा कि वो झमुरी बोलना चाहती है पर डर रही है बोलने से क्योंकि वो हमें पता है वो मोमो से बहुत डरती है उसकी फटती है मोमो से क्योंकि वो उसकी 8 साल की फ्रेंडशिप है तो वो उसकी फटती है। तो आई फेल्ट लाइक द कॉन्वर्जेशन वो ऐसा था कि वो टू कवर्ड आर स्पीकिंग टू ईच अदर वो किस लिए पता है लाइक मोमो इतनी जब वो बोलती है ना कि मैंने बग्गा का स्टैंड लिया या तू गलत थी शी सेलिंग दैट जब वो पहली बार झमुरी ने खुद बोला कि जब वो वॉशरूम गई थी वो कंसोल कर रही थी झमुरी को एंड शी टेल्स दैट वो सही नहीं है तू सही है एंड ऑल एंड बाहर आके 1 सेकेंड बाद वो फिर चेंज करती है एंड शी विल टेल नहीं तू सही है तूने सही किया है डोंट वरी एंड ऑल शी इज कंसोलिंग हर। उसका स्टैंड ही नहीं है मोमो का कुछ स्टैंड नहीं है किसी भी सिचुएशन में उसको सब जगह राइट होना है शी वॉन्ट्स टू बी डिप्लोमेटिक क्योंकि उसको किसी का दुश्मनी नहीं लेनी है शी वॉन्ट्स टू बी फ्रेंड्स विद एवरी वन एंड आई एम टेलिंग दैट इन अ नेगेटिव वे क्योंकि
उसको सबसे बनाकर रखना था कि कहीं उसको किसी की हेल्प ना चाहिए कभी भी. शी वॉज दैट. एंड वो बहुत, आई फील वो बहुत एडिटेड क्लिप था, क्योंकि जब क्राई बेबी, लाइक स्टार्टिंग में क्राई बेबी नहीं होता, उसका आवाज होता है, ही इज हैविंग अ कॉन्वर्जेशन विद समवन एल्स, पर लाइक 1 मिनट बाद ही क्राई बेबी दिखता है, ही इज इन द जिम एरिया, एंड द नेक्स्ट सेकेंड ही इज नॉट देयर. तो मुझे लगा वो बहुत एडिटेड भी है. एंड जब वो बोल मोमो का हुआ था ना झगड़ा डे के साथ, मच्छर के साथ, जब उसने बोला, आई गेस उसने बोला था क्लेम टू फेम, या सेलिब्रिटी, इन सेलिब्रिटीज के पास काम नहीं है इसलिए यहाँ आए हैं, ऐसा कुछ बोला क्या था. एंड वो सबने उस पे चढ़ा था एकदम, ऑल द बहूज ऑफ द हाउस, उन्होंने दे हैड लाइक मच्छर के ऊपर चढ़ लिया था सबने. एंड वो कर सकती है, वो सबके ऊपर मच्छर के ऊपर चढ़ सकती है. जब झमुरी ने किया, एंड शी इज टेलिंग हर रॉन्ग, हाउ डिप्लोमेटिक ऑफ हर टू डू दैट. वो या वो ऐसा है ना कि तू गलत है, तो मैं यही करूँ तो मैं सही हूँ, ऐसा था उसका. एंड शी वॉज ऑल्सो ट्राइंग टू मिसलीड द कॉन्वर्जेशन. वो मैंने आपको भी पता है शांति जी, शीज वो ऐसी है ना मोमो की हमें पता भी नहीं चलता वो कहना क्या चाहती है, क्या कह रही है. वो इतना घुमा के बात करती है कि सामने वाले को भी नहीं पता चलता वो कहने की क्या कोशिश कर रही है. इट इज लाइक दैट. सो आई जस्ट फेल्ट कि झमुरी तो कवर्ड है ही, वो उसके बहुत लोगों के सामने उसका मुंह नहीं खुलता, एंड मोमो भी है, क्योंकि वो डर रही है किसी की दुश्मनी लेने से, एक्सेप्ट सिद्धार्थ, क्योंकि उसको पता है लाइक वो डिफेंड कैसे कर सकती है या गर्ल कार्ड कैसे खेल सकती है. इट इज लाइक दैट. दैट्स ऑल. आपको कुछ और बोलना है? या नहीं, मोमोज पॉइंट ऑफ व्यू आर या ऑल गुड, बट झमुरी का भी मुझे वही समझ में नहीं आ रहा था कि जो चीजें सब खत्म हो गई थी, एंड देन सब कुछ लाइक यू नो उसने सॉरी बोल दिया, जैसे मोमो कहती है कि इस होके तुमने बोल दिया. तो इट वॉज नॉट द पॉइंट कि बार बार वही मुद्दा लाओ और वही वही बात करो, और पर्सनल अटैक इस टाइप से बोलो. उसने बोला जो बोला, दैट वॉज फॉर द टास्क, और मतलब इट वॉज नीडेड एट दैट टाइम, इट वॉज द नीड ऑफ द डे एट दैट टाइम, कि कैसे भी करके उसको उठाओ. एंड रिएक्शन मिला भी उसे, वो उठी नहीं ये बात और है. एंड सिद्धार्थ भी उसको लाइक यू नो सपोर्ट करता है बग्गा को, ये कहते हुए कि उसने जो किया वो सही किया, रिएक्शन निकला है, एंड दैट इज नीडेड एट द एंड ऑफ द डे. तो झमुरी भी उस पॉइंट को छोड़ नहीं रही थी, दैट वॉज यू नो माई प्रॉब्लम, कि वो क्यों जो खत्म हो गई चीज उसको क्यों नहीं छोड़ रही है, भाई खत्म कर उस बात को. एंड शांति या भी, हाँ सॉरी सॉरी सॉरी. नहीं, एंड एज यू सेड मोमो का तो यू नो मल्टीपल कलर्स है उसके, वो किसके साथ कैसे, किसके साथ कैसे. हाँ उसने मतलब शहनाज के साथ भी वैसे ही बिहेव किया है, एंड सबके साथ. मुद्दे तो उसने सिद्धार्थ के साथ ही उठाए हैं, क्योंकि बाहर से जो लेके आई थी वो सब चीजें, बट अदर देन दैट लड़ाई उसकी, उसका प्यार पहले मसला के साथ था, फिर मसला के साथ भी लड़ाई हुई. पपलू के साथ कभी उसकी लड़ाई नहीं थी, क्योंकि शी न्यू कि ये हम लोग साथ में है, बट मसला के साथ तो उसने बहुत अच्छे से ही लड़ाई की थी. एंड सेम विद एवरीवन, एवरीवन एल्स, तो जिससे प्यार किया उसके अलग भी, अगेंस्ट भी हुई हुई है वो, एज यू सेड. या हाँ, जब वो बोलती है ना, मैंने बेनिफिट ऑफ डाउट दिया है बग्गा को, आई वाज लाइक तुमने वही किया जो तुमने भी वही किया मच्छर के साथ, उसको बेनिफिट ऑफ डाउट नहीं दिया तुमने, एंड यू आर टेलिंग योर बेस्ट फ्रेंड सो कॉल्ड कि मैंने बेनिफिट ऑफ डाउट दिया बग्गा को. आई डिडंट अंडरस्टैंड दैट, लाइक तुमने वही, इट वॉज द सेम, ऑलमोस्ट द सेम सिचुएशन, नो या इट वाज द सेम सिचुएशन, बट बग्गा व्हाट शी सेड इज कि आई कुक्ड इट, मतलब मेरा कोई ऐसा प्लान नहीं था. ऑफकोर्स वो भी बाहर से मतलब रिपोर्टर है, तो वो तो बहुत सारा ज्ञान लेके आई है अंदर, बहुत सारा स्टडी करके आई है अंदर, बट देन शी
सेड कि मैंने ऑन द स्पॉट बोल दिया था, मैंने सब कुक किया, और मुझे बोलना होता तो मैं और अलग लेवल पर जाकर बोलती, जो मैंने नहीं किया. शी वॉज लाइक हाँ, बट देट वॉज अनएक्सपेक्टेड मे बी फॉर झमुरी, या फिर पता नहीं जो उसका मुझे नहीं मुझे तो बग्गा गलत नहीं दिखी, क्योंकि वो टास्क था एंड एवरीथिंग इज फेयर इन अ टास्क. एंड वो उसने सॉरी भी बोला था यार बाद में, जब वो लाइक द नेक्स्ट सेकेंड आफ्टर द गोंग वो बजा होता है, शी टेल्स द नेक्स्ट सेकेंड सॉरी जमुरी. वो बोलती है एंड उसको इतना खींचना था. उससे पहले भी एक इंसिडेंट हुआ था जब शी जस्ट सिंपली जोक्स अराउंड, वो कहती है कि लव बर्ड्स जब दोनों बेडरूम में होते हैं, बेडरूम के एरिया में, एंड वो इतना हल्ला मचाती है बाहर आके. सिद्धार्थ को पता चल जाता है वो क्या कर रही है. वो बोलता भी है हाँ सबको बोल, यहाँ मैं भेजता हूँ अभी सबको बोल गार्डन एरिया में. हाँ जो बोला अंदर वो अभी यहाँ पे सबको बोल. हाँ एंड बग्गा को लेकर भी वो बोलता है, एंड झमुरी भी टाइम एंड अगेन सबके साथ वही पॉइंट डिस्कस कर रही है. तो सिद्धार्थ विशनाथ जो कहती है, मैंने पहले भी वही बोला है कि अगर एक ही पॉइंट तुम 10 बार डिस्कस करते रहोगे हर एक बंदे के साथ, हर एक बंदे का डेफिनेटली मतलब स्प्रेड होगा ही ना, सब मिल जाएगा. अगर चुप हो जाओ, ऐसा कुछ नहीं है तो वायर भी हो, मतलब उसको हवा क्यों देना है उस बात को, इग्नोर इट, खत्म. बट जब आप लाइक हाँ सॉरी झमुरी ना, झमुरी वॉज झमुरी ना, शी गॉट अ पॉइंट कि हमारा उछाला गया था तो यहाँ भी उछल रहा है, तो शी वॉज नॉट वो भी उछल रही थी इस बात को लेकर के कि हमारा उछाला था और ये बातें ऐसी उछल रही है तो मैं भी उछलती हूँ अभी. दैट वॉज झमुरी. एग्जैक्टली. और ऐसा था ना कि जब लाइक वो दोनों क्लेम करते हैं ना कि हम बाहर से दोस्त हैं, बहुत बेस्ट फ्रेंड्स हैं, 8 साल से जानते हैं एक दूसरे को, एंड हम अब एक दूसरे के वी नो आवर अप्स एंड डाउन्स, वी हैव आल्सो बीन इन आवर डाउन्स एंड ऑल. वो ऐसा क्लेम करते हैं ना कि जब जब ऐसे सिचुएशन आता है जब योर बेस्ट फ्रेंड और समवन इज वो दे आर नॉट हैप्पी जो आपने किया है, या वो अपना दुख बांट रहे हैं, आप अपना भी नहीं बांटोगे, आप उसको सांत्वना देंगे या कुछ एडवाइस करेंगे, यू वॉन्ट टेक योर्स कि हाँ मेरे साथ भी तो वही हुआ था, मेरा भी तो पर्सनल था. लाइक दैट वॉन्ट कम जब आप बेस्ट फ्रेंड्स होते हो. जितना मैं जानता हूँ मैं मेरे बेस्ट फ्रेंड्स के साथ मैं वही करती हूँ. आई डोंट नो अबाउट मोहन झमुरी, वो किसी अलग दुनिया से है तो मुझे पता नहीं उनके दुनिया में क्या होता है. वो आई गेस वो उछालते हैं एक दूसरे को, बेस्ट फ्रेंड्स ऐसे ही होते हैं उनके दुनिया में आई गेस, उसके कैरेक्टर को उछालते हैं. या सेल्फ एडवर्टाइजिंग. एग्जैक्टली. चलो कमेंट्स लेते हैं. अमित जी कह रही है पप्लू के साथ कोई लड़ाई नहीं करता था क्योंकि पप्लू का मुंह गंदा था एंड उससे झमुरी जैसे लोगों के कारनामे भी पता होंगे. हाँ या बर्थडे से पहले हुई पप्लू और मोमो की लड़ाई. शांति जी आपका गोला घूम रहा है. या कैन यू हियर मी. या आपने अपना वीडियो तो शोइंग यू टर्न ऑन योर वीडियो. Did I? देखो वो एक आया था. नहीं है, बंद है ना. हाँ बंद है. या दैट वो जो लड़ाई हुई थी ना वो तो बस ऐसी हुई थी जो दिखाने के लिए लोगों को कि हाँ हाँ बस लड़ रहे हैं फुटेज के लिए. कोई ऐसी आपने देखा नहीं फिनाले में कैसे हाथ हाथ पकड़ के बैठे थे दोनों. ये लड़ाई तो बस ऐसी थी यू नो सिद्धार्थ को दिखाने के लिए, शहनाज को दिखाने के लिए कि इसी पप्लू और मोमो की लड़ाई. ओ सिद्धार्थ को दिखाने के लिए किया या हम लोग साथ में नहीं है, हम लोग अलग है. पर वो लोग अलग रहते हुए भी बहुत साथ साथ हम साथ साथ ही खेला है उन्होंने. हाँ एग्जैक्टली. आप जब लाइक आफ्टर द वो पहले पड़ाव के बाद जब वो दोनों अलग होते हैं मोमो और पपलू, आप लाइक उसको उनको एपिसोड्स में साथ नहीं देखेंगे, आप अनसीन्स में देखेंगे उनको साथ में. एंड हम बाद में लाइक मीना जी और शांति जी लाइक दे विल ऑफ कोर्स टॉक अबाउट इट, पर
इतना लाइक हमें पता चल जाता है इवन इन द अनसीन्स कि वो साथ में ही है, साथ में होके वो सिद्धार्थ को कंजर डाल रहा है, इट इज लाइक दैट. यस यस एंड ही इज वेरी क्लियर, पप्लू इज वेरी क्लियर कि हमने आज तक एक दूसरे को नॉमिनेट नहीं किया है, हम लोग नहीं करेंगे, हम लोग ऐसे अलग रह के ही साथ में खेलेंगे, हाँ बोला है उसने बहुत बहुत बार. रंजना जी कह रही है झमुरी को अच्छे से पता था कि सिद्धार्थ मोमो के साथ नहीं देगा, इसलिए झमुरी फायदा ले ले कोई प्यार नहीं था. अच्छा हाँ, फायदा ही ले रही थी. नहीं, प्यार तो कुछ नहीं था, झमुरी तो दो ही महीने हुए थे, प्यार कैसे हो जाएगा उसको, हार्डली 2 months मिली थी वो उसको. हाँ वो तो बस जहाँ पर उसको जरूरत लग रही थी वहां दिखावा. पर वो लगा दिखा रही थी कि हाँ हाँ हम साथ है, हम साथ है. प्यार होता तो वहां पे दे देती उसको कैप्टन रूम में उस समय जब उसकी तबीयत खराब थी तो. या बना लीजिए दोनों फ्रेंड्स झूठे हैं, एक एक जैसे ही है दोनों. पर मुझे तो हैरानी होती है जब झमुरी की पट्टी है, जब मोमो कुछ शील टेक्स अ स्टैंड, वो इतनी चुपचाप हो जाती है. शील टर्न द कॉन्वर्सेशन जब मोमो की बात आती है, इवन इन फ्रंट ऑफ सिद्धार्थ या शहनाज कुछ भी हो, वो मोमो की बात आती है तो वो घुमा फिर के बात करती है या उठ के चली जाती है. वो ऐसा है उसका. उसने तो एक्सेप्ट किया है, शहनाज के सामने भी उसने एक्सेप्ट किया है कि जब सिद्धार्थ रहता है तो मैं मोमो से बात नहीं करती हूँ. इज वेरी क्लियर ऑन दैट, अदरवाइज वो बात करती है, सब करती है. दीवानी जी कह रही है झमुरी ने खुद से उछाला होगा क्योंकि बाकी घर वालों को तो पता ही नहीं था, सिर्फ उसको ही पता था. हाँ और वो छोटी साइकिल बोलती है अच्छा मैंने तो नहीं सुना और एग्जैक्टली. फिर दूसरे बकरे को पकड़ के उसको बोलती है कि ऐसे उछाला गया था, हर एक को बताया है उसने ऐसे ही. फाइनली शहनाज को भी बताती है. हाँ, एंड जब वो बोलती है ना तब सब छपता है. आई डोंट नो, वो पहले से, आई डोंट थिंक सो, क्योंकि मैंने सुना है कि उसके लाइक वो जो उछाला हुआ है उसने बोला था ना, वो नहीं था, वो किसी ने नहीं छपवाया था. या आफ्टर शी सेज ऑल दिस, तब न्यूज आर्टिकल्स आया कि सिद्धार्थ को और झमुरी का कुछ था. वो पीआर आई गेस के इट लिए वॉज अ था. पीआर, आई एम श्योर इट्स अ पीआर. या अंदर से बैठ करके नैरेटिव दे रही थी, बाहर पीआर जो है वो कैच कर रहा था. एग्जैक्टली. वो मुझे एक बात नहीं पता चली उस अनसीन के बारे में, उसका पर्सनल अटैक कब हुआ था. जब मच्छर बोला था सेलिब्रिटीज जो है वो यहाँ उनके काम नहीं है इसलिए यहाँ आए हैं. आई डोंट थिंक दैट वॉज अ पर्सनल अटैक, वो प्रोफेशनल रिलेटेड था, या है प्रोफेशनल ना. रिलेटेड अटैक पर्सनली वन ऑन वन. हाँ, झमुरी ने कुछ मेरा ऐसा भी तो कांड किया. पर्सनल था. हाँ हाँ झमुरी ने कुछ ऐसा कांड किया होगा जो मोमो निकालेगी, इसलिए वो डरती थी. मिर्जी कह रही है हो सकता 100%. हैशटैग बेशरम जमुरी. है. हाँ, बर्नाली जी शहनाज ये बात बोलती है. एंड बहुत सारी लगा जगहों पर तो झमुरी ने भी शहनाज को ये बात बोली है कि जब वो रहता है तब मैं बात नहीं करती हूँ, जब नहीं रहता तब मैं बात करती हूँ. तो और शहनाज सिद्धार्थ को ये ने खुद चीजें पता थी, बोला है बहुत वो, अच्छे से पता थी. नहीं, शहनाज ने सदात को खुद बोला है उस हाँ आई थिंक लास्ट लास्ट में या पता नहीं कब. दैट वाज इन द एपिसोड. या दैट वॉज इन द एपिसोड. ना आफ्टर आफ्टर हर ब्रेकडाउन वो जब येलो ड्रेस में होती है एंड उसको उनका पैचअप हो जाता है, उस समय वो बोलती है कि हाँ, झमुरी भी ऐसे करती है, उसको फर्क नहीं पड़ता है. झमुरी करे, मसला करे, पपलू करे, सिद्धार्थ को कभी कोई फर्क नहीं पड़ा है. सिद्धार्थ न्यू अबाउट इट. और क्योंकि इवन इन द फैमिली राउंड, आफ्टर द फैमिली राउंड या नहीं, इसके बर्थडे के टाइम पर भी, बिफोर द कनेक्शन टास्क भी, वो रजाई ओढ़ करके दोनों एक ही काउच में सोए हुए हैं, तो रजाई भी निकाल करके दिखाता है कैमरा कि दोनों है, देखो यहाँ पर. ही न्यू अबाउट इट, दैट वाज नथिंग सरप्राइजिंग फॉर हिम. यहाँ पर उसको पता था कि ये ऐसे कर रही है कि वो मेरे बिहाइंड वो बातें करती है मोमो के बारे में या मोमो के साथ. पर आई गेस सिद्धार्थ को ये नहीं पता था कि जमुरी शहनाज से उस जमुरी के रिलेटेड, जमुरी और सिद्धार्थ के रिलेटेड
जो बाहर से भी फ्रेंड्स है, अंदर से भी या फ्रेंड्स है, या आई एम श्योर ही डिडंट नो अबाउट दैट. ही डिडंट नो अबाउट उसको लगा कि दैट. वो भड़का रहे हैं लाइक शहनाज को, पर उसको ये नहीं पता था इट इज इन दिस वे. मतलब लेटर पार्ट में उसको समझ में आ जाता है, जब एक दो बार शहनाज यू नो बोलती है ना, दो तीन चीजें बोलती है, तो उसके बाद उसको समझ में आता है, अच्छा दिस इज गोइंग दिस वे, ये ऐसे जा रहा है, ये ऐसे कर रही है झमूरी मतलब. हाँ, बट इट वॉज लाइक आई फेल्ट इट वॉज अ बिट लेट जब उसको पता चला, हाँ क्योंकि वो BB14 में जब आता है वो बोलता है कि जब मैंने देखा, मैंने रिसेंटली देखा, जो देखा एपिसोड में, हाँ आई वॉज शॉक्ड वेन आई सॉ इट. वो ऐसे ही बोलता है कि आई वॉज शॉक्ड वेन आई सॉ इट, क्योंकि ये सब जो बोला है उन्होंने मेरे सामने आकर बोला होता तो आई वुड क्लियर इट. डेफिनेटली टेल्स दैट. नहीं, एंड इवन देन आफ्टर आई थिंक बिफोर फर्स्ट पड़ाव ऑल्सो वो एक बार उसको लेके जाता है, ये ऐसी बकवासे कर रही है, ये उसको समझता है, वो बोलता है जाकर ना, दैट्स ऑल्सो इन अंधी नंदे खावेर ही सेज कि तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड नहीं हो और ऐसा ऐसी भी कोई फ्रेंड नहीं हो, है ना. तो ही नोज कि शी इज डूइंग समथिंग, पर वो शहनाज को ऐसे मैनिपुलेट कर रही है, मे बी सम टाइम लेटर उसको पता चला, बट ये पूरे घर को ऐसे मैनिपुलेट कर रही है, इसलिए वो क्लियरली उसको करता है, बोलता है कि वी वर नेवर फ्रेंड्स, हम लोग फ्रेंड्स भी नहीं थे जस्ट. और वो ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक बोलती है तो चुप रहो कहता है, क्योंकि देयर इज नथिंग ऑर्गेनिक, देयर नथिंग हैपन लाइक दैट. उसको पता था ऑर्गेनिक नहीं है, क्योंकि आई गेस जान आपका सितंबर में स्टार्ट हुआ बिग बॉस, वो उसने जनवरी में या फरवरी में सिद्धार्थ का जिम ज्वाइन किया था, एंड इट वाज वेरी एविडेंट कि वो क्यों ज्वाइन उसने किया था, मोमो के लिए या उसके लिए, आई गेस फॉर बोथ ऑफ देम. क्योंकि जब वो बोलती है ना कि आई वॉज शी वॉज प्लेइंग दिस क्यूपिड, जब सिद्धार्थ को और मोमो का बात आती है, वो ऐसे कर रही थी कि मैंने उन दोनों का जो जो भी था उनका झगड़ा मैंने सॉल्व किया है बाहर, शी वॉज प्लेइंग दिस. तो एंड ऑल्सो दैट मे बी द रीजन, एंड ऑल्सो कि वो ऑफकोर्स सिद्धार्थ के साथ कनेक्शन बनाना चाहती थी, एंड उसका भी वन साइडेड था. मैं तो वन साइडेड बार बार बोलूंगी. चलो विल गो अहेड. शेक इट लाइक शहनाज, द टाइटल इज शेक इट लाइक शहनाज. ये नाइट टाइम है आफ्टर द नॉमिनेशन टास्क, या बहुत प्यारा अनसीन है ये. सिद्धार्थ सना सीसी क्राई बेबी, सिद्धार्थ एंड सना एक बेंच पे बैठे हैं, फीफी एंड क्राई बेबी. तो क्राई बेबी एक्चुअली खड़ा है, फीफी बैठे हुए हैं एक बेंच पे. तो सना बोलती है क्राई बेबी को कि तूने सबका दिल जीत लिया है, बाहर लोग मर रहे हैं तेरे लिए, कि तेरे से मिलने के लिए. तो क्राई बेबी कहते हैं और कुछ बोल, ये सब तो मुझे पता है. तो सना कहती है कि जैसे तू बाहर निकलेगा ना, तो क्राई बेबी कंप्लीट कि हाँ जैसे निकलूंगा इधर पड़े होंगे, लाशें पड़ी होंगी पीछे, मर लाइक यू नो मर गए हैं काफी लोग मेरा वेट करते हुए. तो सना कहती है हाँ तेरी बहुत वेट हो रही है बाहर. तो क्राई बेबी समझ जाता है कि सना किस एंगल में बोल रही है, और क्राई बेबी कहते हैं तू चाहती है कि मैं जाऊं जल्दी यहाँ से. तो फीफी कहता है कि तू हर घर का, हर यू नो घर का दूल्हा है तू अभी. तो क्राई बेबी कहता है काश ऐसा हो. और सना एंड क्राई बेबी दोनों उठते हैं, एंड एकदम वो यू नो एक स्टेप करते हुए वो हेलो बोलती है. क्राई बेबी कहता है हेलो, और पूछता है कि क्या आप मेरे साथ डांस करना चाहते हो. तो सना भी उस चीज को रिपीट करती है, और सिद्धार्थ कंटिन्यूअसली सना की तरफ देख रहा है, स्माइल कर रहा है, ब्लश कर रहा है. और सना कहती है ऐसे नहीं, कभी कभी फील आती है. तो सिद्धार्थ उस चीज को कंप्लीट करता है और कहता है कि कभी कभी फील आती है, तेरी शक्ल देख के चली जाती है. और तीन बार बोल रहा है, मतलब क्राई बेबी की शक्ल देख करके डांस करने वाला जो फील है वो चला जाता है, अकॉर्डिंग टू यू नो सना. मतलब सना के दिल की बात सिद्धार्थ बोल रहा है, और तीन बार वो बोलता है. एक्चुअली वो सिद्धार्थ की दिल की बात होती है, पर वो कंप्लीट करता है सना की लाइन. हाँ, और वो तीन बार उसको बोलने की कोशिश करता है, बट सना मतलब वो बिल्कुल अलग धुन में रहती है, वो एक डांस के ट्विस्ट में रहती है, वो स्टेप में रहती है, तो वो बिल्कुल ध्यान नहीं देती है सिद्धार्थ की तरह. वो सिद्धार्थ तीन बार बोलता है कि कभी कभी फील आता है, तेरी शक्ल देख के चला जाता है. और सना फिर सिद्धार्थ को इग्नोर करती है, क्राई बेबी को बोलती है मैं बोलूंगी तब आना. तो क्राई बेबी अपना वो शुरू करता है, वो स्टेप शुरू करता है,
एंड सना कहती है अभी करने को बोला मैंने तुझे, तो क्राई बेबी कहता है अच्छा ठीक है ठीक है। फिर सना फिर पूछती है कि आप मेरे साथ डांस करोगे, तो क्राई बेबी कहता है हाँ। सना कहती है कौन सा वाला करोगे, तो जो आप कर रहे हो कहता है। तो वो करता है, वो स्टेप करता है, तो सिद्धार्थ फिर सना की तरफ से जवाब देता है ओके ठीक है गेट आउट, मतलब क्राई बेबी को गेट आउट कर रहा है वो अगेन। तो यहाँ पर वो डांस उनका रुक जाता है, क्राई बेबी आकर के काउच पे बैठने लगता है, और बैठते ही सिद्धार्थ को यू नो चिढ़ाता है वो, और कहता है कि यस भाई ब्रो कम ऑन मैन व्हाट्स अप। और सिद्धार्थ यहाँ पर ये करके ब्लश करता है, तो यू नो दैट वाज अ बहुत प्यारा मोमेंट था वो, जो वो ब्लश करता है क्योंकि क्राई बेबी इज लिटरली टीजिंग हिम। आई थॉट कि ये लॉमिनेशन के बाद जो हमने जर्नी में देखा था, जहाँ पर क्राई बेबी सिद्धार्थ को पूछता है तू प्यार करता है उससे, और उसी का रिलेटेड यहाँ पर क्राई बेबी इसको छेड़ रहा है। तो क्राई बेबी उसको चिढ़ाता है एंड देन हंसने लगता है, और पीसी को बुलाता है, और पीसी को यू नो पकड़ करके बहुत ज्यादा लाफिंग फिट में रहता है, और वो एकदम से बोलता है मेरा भाई गिरा, आई हर्ड दैट अनघा, मेरा भाई गिरा, मेरा भाई तो क्लियर था गिरा इज व्हाट आई हर्ड। या तो मुझे आई लाइक मैंने ईयरफोन्स लगा के भी सुना, मुझे नहीं सुनाई दिया, थैंक गॉड आपको सुनाई दिया। तो मेरा भाई गिरा वो कहता है, तो फीफी यू नो समझ नहीं पाता है, और ही सेज कि कम अगेन मेरा भाई क्या किया, और वो और क्राई बेबी कहता है ओ मैन, वो हंसने लगता है, वो कहता है ओ मैन, और सिद्धार्थ को यू नो जस्ट ऐसे टैप करता है और कहता है जस्ट अ लिटिल पीप टॉक। और फिर पीपी को उनका जो कन्वर्सेशन है समझ नहीं आता है, सिद्धार्थ की आंखों से कन्वर्सेशन और क्राई बेबी की जुबान से कन्वर्सेशन। पीपी फिर बात चेंज करता है और कहता है हु वाज सरप्राइज्ड ऑफ द शर्ट, तो क्राई बेबी कहता है ही न्यू आई थिंक, मतलब सिद्धार्थ न्यू कि ऐसा कुछ होगा। तो सिद्धार्थ कहता है कि या आई वाजंट सरप्राइज्ड, आई वाज वंडरिंग कि व्हाई यू डिड, बिकॉज लाइक ही हैड द रीजन, ही सेड द रीजन। तो क्राई बेबी कहता है कि हाँ पीसी सेड कि गर्मी लग रही है, आई सेड कि बड़ी गर्मी लग रही है, एंड हम लोगों ने वो शर्ट निकाल दी, लाइक ये शर्ट निकालने वाला तो लाइक यू नो नॉमिनेशन से रिलेटेड था। तो सिद्धार्थ कहता है हाँ मैं वही सोचू कि ये शर्ट क्यों निकाल रहे हैं एंड व्हाट्स गोइंग ऑन, ये क्या हो रहा है। तो फीफी कहता है हाँ दैट इज टीवी दैट इज टेलीविजन। एंड यहाँ पर सना आकर के यू नो सना बैठी है सिद्धार्थ के पास उस बेंच पे, दूर दूर ही बैठे है, एंड सिद्धार्थ इज कंटिन्यूअसली लुकिंग एट हर, एंड आई फेल्ट लाइक ही वाज गो वेंट गॉन हियर। एग्जैक्टली, एंड सना को पता ही नहीं चल रहा था कि क्या हो रहा है। तो ब्यूटीफुल सिद्धार्थ मोमेंट, बहुत प्यारा था, एंड बहुत प्यारा अंतिम अंदेखा था ये, एंड जिस तरह से क्राई बेबी यू नो छेड़ रहा था सिद्धार्थ को, इट वॉज यू नो बहुत प्यारा था। एंड दो बार यहाँ पर सिद्धार्थ सना बन गया था, और अपनी मन की बातें वो सना के थ्रू बोल रहा था, तो आई फेल्ट दैट वॉज ऑल्सो यू नो टू कूल। तो इससे ज्यादा मैं जस्टिफाई नहीं कर सकती इस मोमेंट को। तो यस अनघा, यू कैन पुट योर पॉइंट्स। वही मुझे लगा कि जब मैंने देखा था ना पहली बार अनसीन, दिस वाज फर्स्ट टाइम आई सॉ दिस अनसीन, कि ही वाज वेरी फिजिटिव। वो ऑफ कोर्स जब शहनाज ने एक बार बोला था वीकेंड का वार में, वो जब शेक करता है उसका लेग, वो ही फिजिटिंग हिज हैंड्स, वो अपना ही शेकिंग हिज फीट, वो इतना फिजिट था। वही मैं सोच रही हूँ इतना क्यों हो रहा है, बिकॉज दे वर हैविंग प्योर फन ओवर देयर। तभी शहनाज के बारे में सोच रहा था वो। एग्जैक्टली, वो शहनाज के बारे में सोच रहा था, एंड यू नो वो तीन बार वो जो चीज बोलता है एंड सना इग्नोर करती है, एंड क्राई बेबी ऑब्जर्व दैट कि सना ध्यान ही नहीं दे रही है उसकी बातों पर, और ये बंदा जो है ये डूब चुका है। गो वेंट गॉन शुक्ला, कि मेरा भाई गिरा। ओह गॉड, मुझे फिर से सुनना है यार। या सुनो सुनो। और पता है मैंने एक और बात नोटिस की, जब शनाज बोलती है क्या आप मेरे साथ डांस करोगे, ऐसा शी फंबल्स, वो ऐसी बोलती है क्या आप मेरे साथ शादी या कुछ, शादी नहीं बोलती पर ये श कुछ बोलती है, आई डोंट नो व्हाट शी वाज अबाउट टू से। तब एकदम से जब सिद्धार्थ क्राइबेबी को देख रहा होता है,
व्हेन शी फंबल्स ही फट से वो टर्न करके सना को देखता है. और ऑफकोर्स वो चार चार बार बोलता है जब तक शहनाज सुन ना ले. आई फील लाइक सिद्धार्थ पोसेसिव शुक्ला इज टॉकिंग. हाँ या लाइक यू नो वो एक बार क्या सना ने बोला कि तू सना बन जा सिद्धार्थ को, तो तब से वो सना ही बन गया है और अपनी दिल की बातें बता रहा है सना बन के. हाँ एंड वो हाईफाई भी करता है ना, सना जाके हाईफाई करती है सिद्धार्थ हाँ, एंड देन क्राई बेबी उसके बगल में बैठ के वो सब बोलता है. हाँ इन द एंड टुवर्ड्स द एंड या तो इवन मैंने पूछा था शांति जी को ये शर्ट के कौन सा शर्ट के बारे में बात कर रहे, एंड देन आई गॉट टू नो वो नॉमिनेशन जब हुआ था वो उन्होंने आई आई डोंट नो दैट वाज वेरी क्रिंज ऑफ देम टू डू दैट, वो अपना शर्ट ही उतारा उन लोगों ने, क्योंकि आई गेस अबू जी बोल फीफी बोलते हैं कि गर्मी लग रही है, देन दैट वाज अ हिंट टू क्राई बेबी को, इसलिए वो शर्ट ही उतार देता है जब आई गेस साकी साकी का और एक और कौन थी वो छोटी साइकिल छोटी साइकिल या एंड दे सेव छोटी साइकिल एंड ये यहाँ पर भी जहाँ पे वो छोटी साइकिल को सेव हो जाती है उसके बाद कोयना का असली रूप दिखाई देता है सबको. एब्सोल्युटली बट दिस इज रियली नाइस, जब अब आपने बोला ना मुझे अभी जाके देखना है, मैं लाइव के बाद जाके कार क्योर फॉर दुकान में घुसेड़ के देखूंगी पूरा अंदर तक घुसा करके देख लो फुल वॉल्यूम में. वो जो गिरा वर्ड है ना वो इतना धीमे है एंड हंसी हंसी में है, सो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू मेक इट आउट टू अंडरस्टैंड कमेंट्स ले क्या. हाँ कमेंट्स मैंने फर्स्ट टाइम देखा वो यूएसयूडी, इवन सना भी नहीं थी इसके बारे में, इतना साल बाद भी कुछ नया मिल जाता है ना. कौन से यूएसयूडी की बात हो रही है, क्योंकि ऊपर भी एक यूएसयूडी की बात हुई थी, मीत जी कुछ कह रही थी. I guess इसी USUD की, क्योंकि मैंने भी नहीं देखा था ये, मैंने पहली बार देखा था. ओके ये क्योंकि यहाँ पर ये एक है कल एक दीपिका वाले एपिसोड ने जेलसी वाले के पहले की वीडियो एक चैनल ने अपलोड की थी एंड ऑलमोस्ट 1 आवर डिलीट हो गया था किसी ने देखी. ओके ये वो जेलसी टास्क वो पूरा एपिसोड ही अपलोड हो गया था क्या, पता नहीं मीत जी कुछ कह रही है 1 आवर डिलीट हो गया था. मुझे नहीं देखना वो एपिसोड, मैंने एक बार इतना हिम्मत करके देखी हूँ ना मैं. मीत जी कह रही है बहुत अच्छा वीडियो था, सिद्धार्थ साथ में खाना खा रहे हैं, बाजू में कांटा एंड झमुरी भी है. हाँ ये तो दैट इज अनसीन अनदेखा अनसीन या दैट इज अनसीन, जहाँ पर सिद्धार्थ कहता है भाड़ में जाए लोग मुझे देखनी है दुनिया. सिद्धार्थ हाँ मतलब आई हैव सीन दैट वो रिसेंटली मैंने देखा था. इतना लाइक यार मुझे देखना है वो यूएसयूडी अगेन. कौन सा वाला अपलोड करूं. हाँ आई गेस ये आप जियो में ही मिल जाएगा आपको, ये वाला अनसीन जो हम बात कर रहे हैं, इट इज शेक इट लाइक शहनाज, आप ये डालोगे तो आ जाएगा. या बस अभी कल कल ही आई गेस आया था तुरंत टॉकिंग अबाउट दैट और नो शी इज नॉट टॉकिंग अबाउट दैट, कल ही आया था तो तुरंत डिलीट हो गया. कहाँ अपलोड किया था, जियो में या इंस्टा या कुछ सोशल मीडिया में. शांति जी आप एक और एंड सीन था ना जब वो नाइट में आता है, लाइक आई डोंट नो आई फॉरगॉट द नेम, हम कर रहे थे हाँ वो कोयना शहनाज बिकम्स विच, कैन वी डू दैट, क्योंकि वो आई गेस वो नाइट में ही होता है आई गेस बिफोर दिस और आफ्टर दिस ऐसा ही सीन था, कैन वी डू दैट विल डू दैट. ओके कंटिन्यूएशन होगा ना इसलिए बोला. हाँ हाँ शहनाज बिकम्स अ विच
यहाँ पर ये भी आई थिंक बहुत सारे लोगों ने देखा ही है। और यहाँ पर पीपी सना क्राई बेबी सिद्धार्थ झमुरी बग्गा सब है। नॉमिनेशन टास्क हो चुका है, रात का ही टाइम है, सेम वही गार्डन बेंच। तो यहाँ पर क्राई बेबी बोल रहा है, अब उसकी जो ड्यूटीज है वो उसके बारे में बता रहा है कि मैं ही बाथरूम करता हूँ, लिविंग एरिया करता हूँ। इसका तो मतलब डे वन से ही था एक एम्पथी लेना और अपना ड्यूटीज को लेकर के, सिद्धार्थ तो कितना काम करता था, सुबह से रात तक खड़ा ही रहता था किचन में। तो और लिटरली वो बोला गया है कि वो ही क्यों दिखता है किचन में, बाकी लोग कहाँ जाते हैं। तो या तो शॉपिंग करते हुए दिखता है, चाय बनाते हुए दिखता है, और क्राई बेबी यहाँ पे रोना रो रहा है कि मैं ही बाथरूम करता हूँ, लिविंग एरिया प्लेट सब कुछ कर रहा हूँ। एंड इतने में वो आती है, कोयना आती है एंड शी गोज टू द स्मोकिंग रूम। तो सना सडनली उठती है तुरंत और पूल बेंच से, एंड वो कोयना की तरह एक्ट करना शुरू करती है। सडनली सिद्धार्थ एंड क्राई बेबी एकदम से देखते हैं एंड वो लोग ऐसे हंसते हैं जोर से, और वो तो एक्टिंग जोन में चली जाती है। एंड क्राई बेबी यहाँ पर सीटी मारता है सना को कि मतलब इधर ही इज बूस्टिंग अप, और कि मतलब यहाँ आके कर या जो भी था, या बुला रहा होगा जो भी था, पर सीटी जरूर मारता है। सिद्धार्थ ऐसे देखता है उसकी तरफ मुड़ के ये कर क्या रहा है। और प्रीपी मतलब वो करने लगती है, पीसी एंड क्राई बेबी दोनों कहते हैं कि अरे बाप रे ये तो हॉन्टिंग है, एंड रनिंग कमेंट्री देना शुरू करते हैं दोनों। एंड क्राई बेबी कहता है कॉन्जरिंग पार्ट 1 2 3 सब कुछ। एंड सडनली सना जो है स्मोकिंग की एक्टिंग करती है जैसे कोई ना गई हुई है। तो और सिद्धार्थ तो यू कांट स्टॉप हिम, इतना मतलब लाफिंग फिट में जाता है वो, इतना लाफिंग फिट आता है उसको, इतना हंसता है वो, खूब एंजॉय कर रहा है यहाँ पर। और बग्गा जो है दिख रहा है क्या हो रहा है, उसके बावजूद डम, वो मतलब डम बनने की कोशिश कर रही है या लिटरली डम है पता नहीं, बट वो पूछती है ये क्या हो रहा है यहाँ पर, ये क्या है। तो क्राई बेबी कहता है समझदार को इशारा काफी है, एंड शी इज किलिंग इट। एंड सना तो कंटिन्यूसली एक्ट कर रही है कोई ना की, सिद्धार्थ हंस रहा है, एंड क्राई बेबी उसको इंस्ट्रक्शंस दे रहा है कि रोल योर आईज। और सिद्धार्थ कहता है सर घुमा सर घुमा। तो क्राई बेबी फिर कहता है हाँ सर को घुमा आंखों को घुमा। और पीपी लिटरली डर जाता है, और झमुरी मतलब देख रही है बट झमुरी को कोई भाव नहीं दे रहा है। एंड झमुरी वंस अगेन अंडरस्टैंड कि सना फिर से एक सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन गई है। एंड इसको पता नहीं क्यों लगता है कि अगर मैं इग्नोर करूंगी तो सारी दुनिया इग्नोर करेगी, वो खुद इग्नोर करने लग जाती है, बट किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है उससे। और बग्गा भी हंसने लगती है यहाँ पर, मतलब लिटरली वो शायद डम है, उसको समझता है कि वो एक्टिंग कर रही है। तो फिर बग्गा भी हंसने लगती है। एंड बट झामुरी यहाँ पर बहुत ज्यादा उसके चेहरे पर उसका फेशियल एक्सप्रेशन जो देख रहे हैं तो बहुत ज्यादा जेलस फील करती है बिकॉज ऑफ दिस, उसको जो अटेंशन मिल रही है। और सना यहाँ पर फिर बोलती है कि वो चली जाए, उसको जाने दो अंदर, फिर मैं करूंगी, क्योंकि उसको समझ में आ जाता है कितना टाइम हो गया है तो ये आएगी बाहर। तो कहती है उसको जाने दो फिर मैं करूंगी। तो सिद्धार्थ कहता है कि पर फिर मैं जाऊंगा तो तू रुकेगी ना यहाँ पर तो पीपी पूछता है कि तू कहाँ जाएगा। तो सिद्धार्थ कहता है जहां पर वो गई है, मतलब जहाँ कोई ना गई है स्मोकिंग रूम में। तो झमुरी यहाँ पर उसका हंसी है सिद्धार्थ पर, कहती है कि बोलता है तू रुकेगी ना। तो वहां पर एक सना एक पोज देती है उस पूल बेंच पे, एंड क्राई बेबी कहता है ओ मैन दिस इज द पोज। एंड सिद्धार्थ अगेन यहाँ पर एंड दिस इज अ पोज कहता है। ये भी आई थिंक सना सना की मन की बात सिद्धार्थ अपनी बात मुंह से बोलता है एंड कहता है दिस इज अ पोज, मतलब दूर रहो मेरे से भाई। तो दैट वाज अगेन अ सैवेज। तो या इट वाज गुड एंड वे हैव गॉट सिडनास मोमेंट्स। यहाँ पर सिद्धार्थ जिस तरह से सना को देख रहा है, एंड देन वो उसको जिस तरह से कहता है कि रुकेगी ना, मैं जाऊंगा अंदर, फिर रुकेगी ना यहाँ पर, मतलब यू विल कंटिन्यू इट राइट, या जो भी है वो इतने प्यार से उसको बोलता है। तो दैट वाज ऑसम, बहुत बहुत प्यारा, बहुत प्यारा। या वी गॉट यार दिस थ्री मुझे सिडनास इतना मोमेंट्स हियर। पसंद है ना, हाँ आई लव दिस अनसीन। बोलो अनघा। नहीं, मैंने जब देखा था लाइक स्टार्टिंग में, तब सिद्धार्थ शनाज को लाइक जब साकी साकी आती है, ही लुक्स देयर एंड देन वो शनाज को देखता है। मुझे तब नहीं पता चला, जब वो लास्ट में बोलता है ना कि
लाइक शनाज बोलती है शी रियश्योर्स की जब साकी जाएगी ना तब मैं करूंगी. शी लुक्स एट सिद्धार्थ एंड से तब मुझे पता चला ये आंखों के इशारे हैं. इसलिए शनाज ने सडनली स्टार्ट किया. इज लाइक जब लाइक साकी साकी जाती है ये स्मोकिंग रूम में तब शी गोज एंड एवरीवन आर शॉक्ड कि ये कर क्या रही है. जो करती है उसकी मिमिक्री का तो दे सेपरेट फैन बेस. उसका मिमिक्री का और सिद्धार्थ का वॉक का देर इज अ सेपरेट फैन बेस. या एंड आई सिद्धार्थ तो थिंक इतना हंस रहा था. हाँ एंड आई थिंक इसी का कंटिन्यूएशन है जो रात में बेडरूम में भी होता है. आई फील जहाँ पर सब लोग होते हैं एंड आई थिंक सिद्धार्थ फिर बोलता है कि तू कर कर एंड वो करती हाँ है ना. या जहाँ पर क्राई या बेबी बिकॉज या जहाँ पे क्राई बेबी आता है एंड देन वो कहती है कि हाँ इसको तो शीशे से मिल जाए यही बहुत है एंड उस पर भी सिद्धार्थ बहुत हंसता है. अब वो डॉट्स कनेक्ट हो रहे हैं ना, अभी डॉट्स कनेक्ट हो रहे हैं. तो मुझे जब जब आपने बोला ना बग्गा बेवकूफ थी या बेवकूफ बन रही थी, मुझे आई गेस वो बेवकूफ ही थी क्योंकि आई वेंट मैं थोड़ी आफ्टर फ्यू एपिसोड्स, नॉट फ्यू एपिसोड्स, अ लॉट ऑफ एपिसोड्स, सिद्धार्थ का बग्गा बग्गा जपना. तो बग्गा की बात सुन रही है, तुझे पता है बग्गा कैसी है? वो बग्गा तो फर्स्ट वीक में लाइक फर्स्ट पड़ाव में चली गई थी, तो बग्गा की बात सुन रही है. वो मुझे तुझसे कुछ हाँ वो तुझसे प्यार नहीं करती है. वो तेरी दोस्त नहीं है. वो बस तुझे तेरा सपोर्ट ले रही है यहाँ पे रहने के लिए. बग्गा 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 वो आई गेस मतलब वो बेवकूफ ही थी क्योंकि सबको पता चल रहा था यार. एंड जो झमुरी बोलती है मैं बेवकूफ हूँ, वो खुद बोलती है मैं कंफ्यूज्ड हूँ, मुझे इतना समझ नहीं है, वो सब उसको पता चल रहा था कि शहनाज कर क्या रही है. एंड आई एम श्योर शी इज वेरी सेंसिबल, शी उसको पता है. वो भी उतना बेवकूफ तो है नहीं वो, हाँ जितना बनने की ट्राई करती है कि हाय मैं इतना इनोसेंट हूँ, मुझे किसी की सहारा चाहिए वैसा वाला. शी इज नॉट दैट, शी इज वेरी लाइक वो ऐसा होता है ना या एक यहाँ शहनाज बिकम्स विच, आई फील झमुरी रियलिटी में खुद है वो, या शहनाज शी ट्राइज को बस टू मतलब मैनिपुलेट. या नहीं या शांति जी शहनाज को ऐसा उसको सबसे बातें करनी है. वो मतलब रह नहीं सकती. उसको सबको सबको साथ लेके चलना है सबसे बातें करना है. बट शी न्यू एवरीवन. उसने मतलब बहुत अच्छे से सबको डिकोड किया था एंड यू नो सबको वो अच्छे से जानती है. तभी वो यू नो सिद्धार्थ को एपिसोड में एक एपिसोड में कहती है आफ्टर हर ब्रेकडाउन कि मुझे पता है कि कौन कितने पानी में है. एंड सिद्धार्थ कहता है हाँ तू और तू उसी पानी में डुबकी लगाती है. उसको पता है कौन कितने पानी में है और कौन. एंड फ्रॉम डे वन उसको पता चल गया था सब क्योंकि उसको वाइब आ जाती है. वो कहती है ना मुझे वाइब आ जाती है. बचपन से वो ऐसे ऐसे लोगों के बीच में रही है कि उसको समझ में आ जाता है कौन उसको पॉजिटिव वाइब दे रहा है. नेगेटिव तो सभी लोग दे रहे थे अपार्ट फ्रॉम वन. तो उस लास्ट में जो बोलता है ना सिद्धार्थ, उसका वन लाइनर वो कभी भी नहीं छोड़ता. उसका वन लाइनर जो लास्ट में वो बोलता ही है, जब आई गेस आपने बोला था ना, क्राई बेबी बोलता है दिस इज हर पोज, सिद्धार्थ बीइंग सिद्धार्थ ही सेज एंड दिस इज अ पोज. या भाई दूर रहे तो उससे. दिस इज अपोज आई एम अपोजिंग. हिम ओह माय गॉड इतनी चीजें यार इतनी चीजें. एंड देन पीपल से कि सिद्धार्थ ने क्या बोला. सिद्धार्थ ने ऐसा वो किसी के लिए नहीं इतना बोला कभी जितना सना के लिए बोला. उसको एग्जैक्टली क्या जरूरत यार, थी उससे. उन्होंने खुल्लम खुल्ला प्यार किया है. उसने खुद बोला है खुल्लम खुल्ला प्यार करेंगे हम दोनों, तो वो खुल्लम खुल्ला ही है वो. आई गेस देयर इज अ स्लोगन और समथिंग कि ही फेल फॉर हर बट शी फेल हार्डर, ऐसा होता है ना. लाइक इट इज फर्स्ट ही फेल फॉर हर पर बाद में शी फेल हार्डर. हाँ
अमित जी कह रही हो बग्गा नॉनसेंस है, मुझे उसकी ड्रेसिंग स्टाइल भी पसंद नहीं आई, जैसे वो ड्रेस कैरी करने नहीं आता है उसको वॉक। अच्छा, उसको ड्रेस कैरी करने नहीं आता वॉक। हाँ, इस चक्कर में उसने पता है वो एक इनका सिद्धांत मोमेंट भी बिगाड़ दिया बहुत अच्छा वाला ड्यूरिंग हर कैप्टेंसी चाशनी से पहले। ओ या हाँ मी जी, वो वाला तो मिल जाएगा आपको, डोंट वरी, जस्ट थोड़ा सा वेट। नहीं मैंने बोला है लाइक अब जस्ट गूगल में जाके वो टाइटल सर्च करो, और अब हम शहनाज बिकम्स अ विच बात कर रहे हैं ना, वो आप जाके क्रोम में या गूगल में सर्च करो, आपको मिल जाएगा वो वीडियो जियो में, लाइक इट गिव्स अ लिंक एंड इट टेक्स यू टू जियो सिनेमा। या वो है जियो में, पर वो उन्होंने एक फोल्डर जैसा नहीं बनाया है, वो अब सर्च करेंगे टाइटल तो, या अब डे वाइज सर्च करेंगे कि डे 9 ऑफ शहनाज या ऐसा कुछ, क्योंकि जियो का है कि वो नाम करेक्टली नहीं डालते, वो शहनाज का डबल ए है ना, वो डबल ए नहीं डालते, वो सिंगल ए डालते हैं, एंड इवन फॉर रश्मि इट इज रश्मी, आई डोंट नो व्हाई, तो तब पता नहीं चलता, जब आप करेक्ट जो उनका नाम उन्होंने दिया है तब जाके टाइप करेंगे तो तब आएगा आपको, दैट इज द प्रॉब्लम। हाँ मीत जी, या आप भी सही हो, उसने बिगाड़ा नहीं, उसकी वजह से देखने मिला हमें। सही बात है, सही बात है। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, सही है। हाँ बट मेरा, मुझे अफसोस इस बात का है कि चल भाई आ गई, जिस काम से आ गई, उसके बाद में वो मना कर रहा है सिद्धार्थ की मत बुलाओ उसको, वो आ जाती है फिर भी, तो निकल जाना चाहिए ना, फिर वही भी टंगी रही वो, तो जरूरत नहीं थी उस चीज की, जो इंस्ट्रक्शन है दिए है मैडम ने तो वो लो और फॉलो करो और निकलो बाहर। नहीं जब वो आई गेस जब वो सीक्रेट रूम से आता है ना, उसको चिढ़ मच गई थी बग्गा से, यू इतना क्लोज कैसी है, एंड जब वो देयर आर लॉट ऑफ टाइम्स की जब शहनाज और बग्गा शेयरिंग द ब्लैंकेट और द बेड, वो बीच में आके बैठता है या बगल में आके बैठता है शहनाज के, ही इज लाइक इतना पोसेसिव है वो, ही बिकम्स अ चाइल्ड व्हेन ही सीज की शहनाज बात कर रही है किसी से ज्यादा, एंड उसने बोला है ना कि जब सना ने खुद बोला है कि जब मैं वो बाथरूम वाला कुछ होता है आफ्टर क्या सीक्रेट रूम, वो कुछ बात कर रही होती है बिफोर द वेयर ही सीज एंड सॉ इन सीक्रेट रूम, पता नहीं तब घर में आके बोलता है हाँ तू उनके साथ ही बात करती रहे, बाथरूम में जाकर बात बात करो, मेरे साथ मत करो तुम, तेरा विशाल तेरा विशाल, उनको जाके सुला उनको जाके सुला, मुझे बाप लगता हूँ मैं, नहीं टेल्स बाप लगता हूँ मैं। जब सना बोलती है ना कि गोद लिया है मैंने उनको, तब सिद्धार्थ बोलता है बाप लगता हूँ मैं। या सो वी डिड 4 अनसीन्स टुडे एंड आई थिंक वी शैल स्टॉप हियर, 8 बज गए हैं, बाकी हम लोग कल कंटिन्यू करते हैं, देखते हैं कितने कितने होते हैं, क्योंकि अगेन सिद्धार्थ मोमेंट्स है बहुत सारे हुए, तो हम लोग तो खो जाएंगे उसमें। अब आज कितना हुआ, 2 हुआ ना, आज वी कंप्लीटेड 4, नहीं नहीं सिद्धार्थ मोमेंट्स, यार मैंने ना एक्चुअली ये सारे के बिकॉज यू आर नॉट देयर राइट, तो मैंने ना ये डे 9 के इकट्ठे एक साथ बता दूंगी मैं, क्योंकि मैंने जहाँ के वहाँ लिखे हुए अलग अलग अलग, आज 2-3 हुए हैं शायद, या तो ये डे 9 के आई टेल यू टोटल, मतलब टिल डे 9 के कितने हुए हैं, एंड देन यू कैन। शांति जी, चांदनी जी कमेंट करिए, सोनी जी, अनागा जी, एक अनसीन सर्च करने के बाद स्क्रोल करते जाएंगे तो 16, 15, 14, 13 के अनसीन लाइन से है, मैंने करके स्क्रीनशॉट लिया है जैसे वुड पे था लाइन में, अच्छा यार मैंने मुझे नहीं आता ऐसा, इट्स लाइक बीबी ओटीटी का आ जाता है सारा।
मुझे जाना पड़ता है सर्च करके। डोंट नो आप, आपको आ रहा है तो बहुत सारे लोगों को भी आ रहा होगा। आई चेक वंस। आई थिंक शी इज टॉकिंग अबाउट द बिग बॉस 13, 14, 15, 16। इज इट इट्स नॉट लाइक सीरीज, मतलब बिग बॉस 13 के अनसीन की बात नहीं कर रही है। आई थिंक शी इज टॉकिंग अबाउट ऑल द बिग बॉस, मतलब एक अनसीन सर्च करने के बाद स्क्रॉल करते जाएंगे तो सारे ही लाइन में आ रहे हैं अबाउट ऑल बिग बॉस, शी ऑल सीजन आई थिंक शी इज टॉकिंग अबाउट। हाँ, सब सीजन्स का लाइक एक साथ मिक्स करके आ जाता है, हाँ दैट इज द थिंग। हाँ नहीं आई डोंट नो यार, एक्चुअली मैं इतनी मेहनत नहीं कर रही हूँ, मुझे तो मतलब ये अनघा पूजा कंट्री थी, ये लोग जो सप्लाई कर रहे हैं, मैं बात या हम लोग बात कर रहे हैं उस पर, तो अनघा मस्ट बी यू नो नोइंग वेल, शी कैन गाइड यू इन रिगार्डिंग इट दिस। इज टेकिंग अ बिट टाइम। हम आई गेस बिफोर दे फिनिश डे 20 तब हम डाल लेंगे या जियो सिनेमा जियो पे, पे। हाँ ओके जियो की या बात हो रही है, वूट इज नो मोर ना, अभी वूट नहीं है, सिर्फ जियो है ना। एग्जैक्टली वूट तो आएगा ही नहीं, आप सर्च करके जाओ तो रीडायरेक्ट होगा जियो पे। हाँ तो वो तो बंद ही हो गया है, खैर। या सोनी, थैंक्स बबीता जी, सोनी थैंक जी यू सो थोड़ा मच। थोड़ा सा वेट करिए, डे 20 तक पहुंच जाएंगे तो आपको आ जाए, मिल जाएंगे हाँ, सारे। क्योंकि ऑलमोस्ट लाइक 2000 ऐसा अनसीन्स है यार। 140 days का है ना, 139 टू बी प्रिसाइज। या ठीक तो है फिर, हाँ, थैंक वुड इज नो मोर। यू एवरीवन जी। ठीक है चलो फिर, टेक केयर एवरीवन, बाय मीत जी, बाय सोनी जी, बाय बाय चांदनी जी, बाय बबीता बबीता जी, जी, बाय बाय सुप्रिया जी, बाय एवरीवन। भावना जी, बाय रंजना जी, आज निवेदिता जी नहीं आई, बाय देवन जी। भावना या चलो जी, या वी लीव। बाय प्रवीण जी, टेक केयर एवरीवन।